मेरा नाम प्रभात कुमार है और आज का जो हमारा टॉपिक है साइबर सिक्योरिटी, उसके ऊपर आपसे कुछ बातें साझा करने आया हूँ। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। क्या आप सभी को मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? जी सर। जी थैंक यू। आ रही है सर। जी तो आज का जो मुद्दा है वो है साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस प्रोग्राम एंड ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग विद सेफ स्पेस बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। तो जैसा कि अभी मैंने आपसे बात की थी, हमें ये भी नहीं पता हमें करना क्या है, फिर भी आदेश आ जाते हैं कि इस प्रकार से ऑनलाइन पढ़ाना है, इस ऐप का यूज़ करके हमें ऑनलाइन चलना है और बच्चों को भी इसके बारे में अवगत कराना है। तो क्या चीज़ हमें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, इन सभी चीज़ों से रिलेटेड आज हम इस बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। साइबर जगत में सुरक्षा सुझाव एवं सावधानियां शिक्षकों के लिए। जैसा कि हमें पता है कि जो विद्यालय है हमारा वो तीन मुख्य चीज़ों से बना हुआ है, शिक्षक, विद्यार्थी और अभिभावक। अगर ये तीनों में से कोई भी एक कड़ी टूटती है या कमज़ोर पड़ जाती है तो जो हमारा शिक्षा का जो उद्देश्य है वो लगभग किसी ना किसी तरीके से कम पड़ जाता है। तो हम कोशिश करेंगे कि साइबर जगत से रिलेटेड, मेरी भी काफ़ी हद तक कोशिश रहेगी कि आप लोग को साइबर जगत से रिलेटेड जो मैक्सिमम से मैक्सिमम सूचना मैं प्रदान कर सकता हूँ वो इस लेक्चर के माध्यम से करने का प्रयास करेंगे। साइबर जगत में सुरक्षा जो है हमारी, स्पेशली अभी हम बात कर रहे हैं टीचरों के लिए। टीचरों को एक्चुअली हम मानते हैं नेक्स्ट टू पेरेंट्स, और कुछ कुछ जगह पे बोलते हैं कि पेरेंट्स से भी ऊपर टीचर्स होते हैं। तो जो बच्चों को नॉलेज पेरेंट्स नहीं दे सकते हैं वो नॉलेज भी स्कूल में शिक्षक पहुँचाते हैं। तो आजकल के युग में मोबाइल का युग बोलते हैं हम उसे, साइबर जगत जो हम बोल रहे हैं, उसकी ज़्यादा नॉलेज टीचर से अपेक्षित है कि जो भी होगा वो ये बोलेगा कि जी इनको ये चीज़ें पता है। तो हम इसी में आगे बढ़ते हैं कि टीचर्स को क्या क्या चीज़ पता होनी चाहिए। तो जब भी साइबर की बात करते हैं तो चार पहलू हमारे सामने आते हैं। पहला पहलू है तकनीकी पक्ष, दूसरा है नैतिक पक्ष, तीसरा है सामाजिक पक्ष और चौथा है कानूनी पक्ष। ये चारों पक्षों में हम क्या करें क्या ना करें उसके बारे में हम चर्चा करेंगे अभी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तकनीकी पक्ष की, लेकिन तकनीकी पक्ष से पहले हम थोड़ा सा शिक्षकों के बारे में बात करते हैं। जो हमारे शिक्षक हैं, जो हम भी हैं, तो हम बच्चों को अक्सर बोलते क्या हैं कि ऑनलाइन सुरक्षा के लिए तैयार रहें, ऑनलाइन से बच के रहें, वेबसाइट को ब्लॉक करें, इंटरनेट को ध्यान से यूज़ करें, अत्यधिक ऑनलाइन पर ना जाएं या इंटरनेट का प्रयोग सीमित कर दें। क्या यही चीज़ है साइबर सुरक्षा? जी नहीं। साइबर सुरक्षा का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है। ऑनलाइन सुरक्षा केवल निम्नलिखित नहीं है कि हमने बच्चों को ये बोल दिया और बच्चे मान गए। आपको पता है कि किसी व्यक्ति को एक मछली आप उसे केवल दिन भर का भोजन देते हो, और अगर जहां आपने उसको व्यक्ति को मछली पकड़ना सिखाओगे तो वो जीवन भर भोजन प्राप्त कर सकेगा। ये एक मुहावरा था, युक्ति मान लीजिए। इसी प्रकार से ब्लॉक करना या प्रतिबंध लगाने के बजाय विद्यार्थियों को ऑनलाइन सुरक्षित रहने का ज्ञान और वेब पर सर्फिंग करते हुए अच्छे आचरण का पालन सिखाना ज़्यादा लाभदायक है। मतलब कि हम वेब पर कैसे काम करें, कैसे काम ना करें, क्या क्या हमारे साथ परेशानियां हो सकती हैं और उन परेशानियों में भी हम कैसे बचें। तो इस बाबत जब तक हम शिक्षक ही इस बारे में पूर्णतः तैयार नहीं होंगे तो बच्चों तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाना मुश्किल होगी। पहला पार्ट है तकनीकी पक्ष, क्या करें क्या ना करें। तो सबसे पहला बिंदु हमारे पास है
इंटरनेट पर जानकारी खोजते समय सुरक्षित खोज विकल्पों का उपयोग करें, सेफ सर्च इंजन, और साझा करें करने या अग्रेषित करने से पहले तथ्यों की समुचित जांच कर लें। हम लोग कई बार होता है व्हाट्सएप का भी इस्तेमाल करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन आई आगे शेयर कर देते हैं, वो इन्फॉर्मेशन गलत है या सही है इसकी जान करे बगैर। तो आगे से मैं आप लोग सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी इन चीज़ों को ध्यान से करें, कोई भी चीज़ आगे अग्रेषित यानी फॉरवर्ड करने से पहले तथ्यों की समुचित जांच कर लें। और इंटरनेट पर सेफ सर्च के लिए ध्यान रखिएगा कि जो भी आप लिंक खोलते हो, लिंक के थ्रू लिंक ना खोलें। आप उस लिंक को थोड़ा सा पढ़ लें या कहीं लिख लें, उसको वहाँ पे ऊपर URL में टाइप करें। तो URL क्या होता है ये भी आपको मैं आपको स्क्रीन शेयर करके समझाऊंगा। ऑनलाइन बैंकिंग खरीदारी या भुगतान करते समय सुनिश्चित कर लें कि वह वेब एड्रेस HTTPS है या नहीं। S का मतलब ही यहाँ पर सुरक्षा का प्रतीक होता है। अगर एड्रेस बार में S नहीं है तो भी आप उससे ना घबराएं। आप ये देख लीजिए कि एड्रेस बार शुरू होने से पहले लॉक आइकन है कि नहीं। तो कुछ एक लिंक भी मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे हम इसको पहचानेंगे कि कौन सा सिक्योर वेबसाइट है, कौन सा सिक्योर नहीं है। विभिन्न ऑनलाइन अकाउंट्स के लिए एक ही पासवर्ड का उपयोग ना करें। हम लोग कई बार अपनी सुविधा के अनुसार हम लोग कोशिश करते हैं कि चलिए मेरे पास चार ATM है, चलो चारों ATM का एक ही पासवर्ड रख लेते हैं, या चार ऑनलाइन ईमेल्स आईडी है हमारी तो चारों का एक ही पासवर्ड रख लेते ताकि मुझे याद रहेगा। लेकिन ये आपके लिए खतरनाक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। जब भी आप पासवर्ड जनरेट करें वो थोड़ा सा कठिन हो, आपके लिए कठिन होगा तो सीधी सी बात है सामने जो आपका ईमेल आईडी को हैक करने जा रहा है उसके लिए भी खतरनाक होगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग अपने पासवर्ड को तुरंत प्रभाव से बदलने का प्रयास करेंगे और 3-4 महीने में इनको बदलने की प्रक्रिया को अपनाते रहें। इंटरनेट पे अपने विभिन्न अकाउंट के लिए एक सुरक्षित और अनूठे पासवर्ड का उपयोग करें जिसमें संख्या, अपर केस, लोअर केस और स्पेशल कैरेक्टर का संयोजन हो, क्योंकि जो भी इसका पासवर्ड को जो हैक करते हैं, ट्रैक करते हैं, तो वो एक सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं जिसमें सारे नंबर्स ऑटोमेटिक स्क्रोल डाउन्स होते हैं और जिस नंबर पे आपका पासवर्ड अटक जाता है तो वो उसका यूज़ कर लेते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ों से बचने के लिए आप हर प्रकार की बटनों को उसके अपने पासवर्ड के अंदर डालने का प्रयास करें और जिससे वो बहुत कठिन होगा। हालांकि वो पासवर्ड आपके लिए याद करना भी कठिन होगा, तो उस पासवर्ड को आप किसी कागज़ पे, किसी किताब या डायरी में लिख के अपनी सुरक्षित जगह पे, जो भी आपकी तिजोरी वगैरह होती है वहाँ रखिए। उसमें भी जब आप लिखते हैं कॉपी में तो उसमें भी आप कुछ और भाषा में लिखिए, जैसे कि पासवर्ड आपका ABCD है तो आप उसको कॉपी में लिख लीजिए DCBA, ताकि आपको याद रहेगा कि मेरा पासवर्ड ये है। कल को डायरी भी कोई देख ले तो डायरी में से भी उनको कुछ पता ना चले। अपने व्यक्तिगत और आधिकारिक प्रयोजनों के लिए अलग अलग ईमेल खातों का प्रयोग करें। जी हाँ, ये इस पॉइंट बिंदु पर सभी ध्यान दें, क्योंकि विद्यालय की एक आईडी होती है जिसका कई साथी यूज़ भी कर लेते हैं और कभी कभार पता चलता है, जैसे किसी ने कोई परचेजिंग कर ली, किसी को पता भी नहीं चलता है कि उसकी ये आईडी कैसे यूज होती है। आज मैं आपको बताता हूँ कि कैसे होती है। मान लीजिए आप किसी अपने विद्यालय की आईडी को अपने मोबाइल में रजिस्टर कर रखा है आपने, आप मोबाइल में स्कूल की इन्फॉर्मेशन देखने के लिए उसे इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोई मेल आई या नहीं आई, तो इन सभी चीज़ के लिए आपने उसको तो रजिस्टर कर लिया मोबाइल में, लेकिन सपोज करिए आप कहीं गए और जाके आपने क्या किया, कोई ऑनलाइन शॉपिंग करने का प्रयास किया। यहाँ पे जाने का मतलब है ऑनलाइन, किसी वेबसाइट पे जाके आपने ऑनलाइन जाके आपने प्रयास किया ज्वाइन करने का। जैसे ही आप उसमें ज्वाइन करोगे तो आपने जो स्कूल की मेल आईडी को प्रेफरेंस दे रखी है वो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी मेल आईडी उठाएगा। तो जब वो उठाएगा तो उसके द्वारा आने वाले जितने भी स्पैम्स हैं, जितने भी मेल्स हैं उसकी, वो सारी आपकी विद्यालय आईडी पर आएंगे, जिससे आप ना चाहते हुए भी परेशान होंगे। तो कोशिश रखें कि स्कूल यानी कि अपने व्यक्तिगत और आधिकारिक प्रयोजनों के लिए अलग अलग ईमेल खातों का प्रयोग करें। सोशल मीडिया साइट्स के लिए कभी भी अपने आधिकारिक ईमेल पते का इस्तेमाल ना करें।
सोशल मीडिया साइट सबसे बड़ा स्तर है जहाँ पे आपका डाटा चोरी हो सकता है बड़ी आसानी से, क्योंकि सोशल मीडिया साइट्स पर कई लोग अच्छे अच्छे अपडेट्स डालते हैं, लिखते हैं कि आज मैं शिमला हूँ, आज मैं मनाली हूँ, तो आपकी उस साइट पर आपका कोई चहेता, कोई चोर, आपकी गली का रहने वाला कोई नज़र डाले बैठा हुआ है। जी हाँ, ये तो बाहर गए हुए, चलिए आप चोरी कर लिए। ये सभी की सभी असावधानियाँ जो हम बरतते हैं, जिसकी वजह से हमें ही सामना करना पड़ता है। तो ये मत सोचिए कि मैं सोशल मीडिया पे अपनी एक फ़ोटो पोस्ट कर रहा हूँ या अपने आप में बता रहा हूँ कि मेरी ये लोकेशन है तो इससे मेरे दोस्तों को पता चल रहा है, खुशी हो रही है। ये खुशी की बात नहीं है, ये आपके लिए हानिकारक और असुरक्षित है। इंटरनेट पर खरीदारी या बैंकिंग के लिए अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल में लॉगिन करने के लिए सार्वजनिक एवं असुरक्षित वाईफाई का प्रयोग ना करें, इनसे बचें, क्योंकि आम तौर पर यह देखा गया है जब भी हम इसके बारे में बात करते हैं कि हाँ जी नेट यूज़ करना है, जी भाई साहब अपना पासवर्ड वाईफाई ऑन करना। अगर कल की मैं बात करूँ, कल जैसे मैं खुद ही गया था शॉपिंग करने, तो वहाँ पर मैं कुछ ख़रीदारी की तो उन्होंने कहा जी गूगल पे कर दो, तो मैंने जैसे गूगल पे करने के लिए किया तो वो नहीं ले रहा था, तो उन्होंने बोला मैं अपना वाईफाई ऑन कर देता हूँ। मैंने बोला वाईफाई ऑन जैसे उन्होंने किया तो मैंने सबसे पहले ये देख लिया कि जो वाईफाई ऑन हुआ है वो SSID है कि नहीं है, मतलब वो पासवर्ड मांग रहा है कि नहीं मांग रहा। क्योंकि कुछ वाईफाई होते हैं ओपन, हम जैसे कहीं चलते हैं रास्ते में आता है कि एक वाईफाई आपको आ रहा है तो आप बोलते हैं फ्री वाईफाई मिल रहा है चलो इसको यूज़ कर लें। हमेशा ध्यान रखने, कोई भी चीज़ फ्री की फ़ायदेमंद नहीं होती। फ्री वाईफाई का मतलब है वो आपको अगर आपको फैसिलिटी दे रहा है वाईफाई की तो वो आपसे कोई इन्फॉर्मेशन लेने का प्रयास कर रहा है, तो उस इन्फॉर्मेशन के लिए बचें कि जैसे ही आपने उसकी वाईफाई का लिंक को क्लिक किया तो आपको पता भी नहीं चलेगा वो कब आपका एड्रेस, वहाँ से आपका डाटा आपके मोबाइल से चोरी हो सकता है। तो कृपया करके असुरक्षित वाईफाई का मतलब यहाँ पर यही है कि जब भी वाईफाई यूज़ करो वो SSID लॉगिन होना चाहिए, यानी पासवर्ड होना चाहिए। अपने ऐसे ऑनलाइन अकाउंट्स को हटा दें जो आपके उपयोग में नहीं है। जी हाँ, पहले कई बार हम लोग ईमेल आईडी बना लेते थे और वो ईमेल आईडी अभी तक पड़ी हुई हैं, तो उनको जाके आप रिमूव ऑफ कर दें अपने सिस्टम से, क्योंकि जब उसका कोई यूज़ नहीं है, कोई कभी गलती से पुराना उसको हैक करने का प्रयास करेगा तो उसकी वजह से कहीं आपके लैपटॉप या आपके मोबाइल के को डैमेज ना हो, नुकसान ना हो। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए आप कोशिश करें कि आप अपने लैपटॉप्स या अपने मोबाइल से पुरानी ईमेल आईडीज, चाहे वो जीमेल की हो, चाहे याहू की हो, चाहे रेडिफ की हो, मतलब कोई भी हो, ईमेल मतलब जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक मेल्स करते हैं उनकी सहायता से उनको आप अपने मोबाइल से या लैपटॉप से रजिस्टर्ड ना रखें। किसी भी सॉफ्टवेयर को केवल विश्वसनीय स्रोत से ही डाउनलोड करें। हम आमतौर पर सोचते हैं कि हमें कोई फ्री सॉफ्टवेयर मिल जाए, जी हाँ कई अच्छी वेबसाइट हैं जो फ्री सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती हैं, लेकिन ध्यान रखना जो भी वेबसाइट आप इस्तेमाल करें, तो वो सभी वेबसाइट स्टार्टिंग में ध्यान रखना HTTPS हो। अगर वो S नहीं है यानी लॉक नहीं है एडमिन, समझ जाइए वो अनसिक्योर है, और अनसिक्योर से आप डाउनलोड कर रहे हैं तो आप अपने लैपटॉप को या अपने मोबाइल को खतरे में डाल रहे हैं। और आज मोबाइल सिर्फ मोबाइल नहीं है, वो एक लाइफस्टाइल है, वो हमारी लाइफस्टाइल है, हम उसके बगैर बिल्कुल ज़ीरो हो चुके हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है हम मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। एड्रेस बार में सीधे URL टाइप करके ही अपने बैंक की वेबसाइट खोलें, ना कि सर्च इंजन में। प्लीज़ ईमेल या टेक्स्ट संदेश के लिए लिंक्स को कभी ना खोलें। देखिए सर्च इंजन जैसे कि हम गूगल का यूज़ करते हैं, मान लेते हैं कि हमें सर्च करना है कि मुझे किसी को मेल करनी, तो डाटा कहाँ से, चलिए ठीक है आपने मेल पे सर्च मार लिया कि मुझे किसी को किसी दोस्त का प्रोफाइल पता चल गई है कि वो एक इंजीनियर है, वो इस कंपनी में काम कर रहा है, हमने गूगल सर्च में डाल दिया, उसमें आ गए हाँ संदीप चौहान इंजीनियर, ये हमारा यहाँ पर वर्क कर रहा है, तो आपको याद रहेगा कि हाँ ये वर्क कर रहा है, ठीक है। कॉन्टैक्ट नीचे लिख के अगर आ गया, अगर आप किसी कंपनी को सर्च करते हैं तो नीचे आता है कॉन्टैक्ट मी, तो कभी भी वो कॉन्टैक्ट मी के लिंक को नीचे क्लिक ना करें, उस कॉन्टैक्ट मी के लिंक को पढ़ें और ऊपर टाइप करें जो हमारा URL होता है। जब आप उसमें URL में टाइप करेंगे तो अगर वो लिंक वर्किंग में होगा तो वो चलेगा, अगर वर्किंग में नहीं होगा तो वो नहीं चलेगा।
यानी कि अगर सर्च इंजन में कई लिंक दिखते हैं आप उनको क्लिक ना करें, जैसे ही आप उनको क्लिक करेंगे इट मीन्स यू आर गोइंग टू डैमेज योर सेल्फ, वो किसी और साइट पे ले जाएगा जहां आपसे परमिशन मांगी जाएगी, बोलो चलिए कोई नहीं कंपनी डिटेल चाहिए, परमिशन ही है मेरे लैपटॉप ही है, बट वो परमिशन किस प्रकार से आपसे मांग रहा है, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखें। कभी भी अवांछित अनपेक्षित ईमेल से आए लिंक या डाउनलोड अटैचमेंट पर क्लिक ना करें। कई बार आपने देखा होगा कि आप मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं और बीच में एकदम से पॉपअप आ जाता है, पॉपअप मतलब बीच में एक छोटा सा आइकन आ जाता है, उस आइकन में ये क्लियरली लिखा होता है कि टू फॉरवर्ड टू प्रोसीड फर्दर क्लिक यस, यस या नो पर क्लिक ना करें। वहाँ पर ऊपर आप ध्यान से देखिएगा, उस पॉपअप के किनारे पर एक हल्का सा क्रॉस का निशान आता है, उस क्रॉस को क्लिक कर दीजिए। कई बार पॉपअप आता है समवन कॉलिंग रिप्लाई अलाउ डिनाई, लेकिन आप ना अलाउ पर क्लिक करें ना डिनाई पर क्लिक करें, क्योंकि ये उनका जाल होता है कि आप पर डाल दिया, आप उस पूरे बॉक्स में कहीं भी क्लिक करेंगे आप उनकी वेबसाइट पर चले जाएंगे, हो सकता है वो वेबसाइट आपको ट्रैक अच्छी तरह से ट्रैक कर ले और हैक करने के बाद आपके पास मैसेज आए कि आप हमारे जाल में हैं। तो सबसे बढ़िया है इस चीज़ के लिए आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप कोने में देखेंगे कोने में कहीं ना कहीं क्रॉस का निशान होगा या नीचे कहीं साइड में क्लोज लिखा होगा, हल्का सा वाइट कलर का बॉर्डर होगा, तो ध्यान दीजिए वाइट कलर के बॉर्डर पर ही वाइट कलर का क्रॉस होगा, वो इस तरीके से बनाते हैं कि सामने वाला पहचान ना सके कि यही ऑप्शन है नीचे यस और नो का, उसको क्लिक कर दें। तो इन चीज़ों से भी हम थोड़ा सावधानी दिखाएं, क्योंकि सावधानी ही हमारा बचाव है। सभी महत्वपूर्ण फाइलों का लोकल क्लाउड स्टोरेज पर नियमित बैकअप लें। जी ध्यान रखिए कि हम जब भी ई फाइल्स का बात करते हैं, ई फाइल्स के बारे में बात करते हैं, तो आप हमेशा ई फाइल्स को ओपन उसके एक कॉपी बना के रखें। कॉपी जैसे हम सपोज कर गूगल ड्राइव पे डाल रहे हैं तो नियमित उसका बैकअप डालते रहें, और वो बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि कई बार ये होता है कि हमारे मोबाइल में कोई वायरस आ जाता है, तो सपोज़ करो कोई वायरस आ गया तो मोबाइल ख़राब हो गया, तो उसका डाटा कहाँ से आप वापस लाएंगे, तो वो आपके जो क्लाउड स्टोरेज होती है, ऑनलाइन स्टोरेज जिसे हम बोलते हैं, उसमें आप जाके वापस ले सकते हैं। वेबसाइटों पर कीप मी लॉगिन या रिमेंबर मी विकल्पों पर क्लिक ना करें। जी हम लोग कई बार अपनी सावधानियों के लिए अपनी सहूलियत के लिए हम कीप मी लॉगिन, जैसे हम किसी जीमेल आईडी करते हैं नीचे लिखा था रिमेंबर मी लिख के आता है, और जैसे ही हम उस पर क्लिक करते हैं हमारा पासवर्ड उसमें सेव हो जाता है, तो ये कभी ना करें, और सभी खातों को प्रयोग करने के उपरांत लॉग आउट कर दें। भले ही आपका लैपटॉप पर्सनल है या आपका मोबाइल पर्सनल है, तो उसको आप ऊपर से स्क्रीन लॉक अवश्य रखें, किसी को देने से पहले ध्यान रखें कि वो क्या यूज़ करने जा रहा है। कोई भी व्यक्ति आपका मोबाइल या आपका लैपटॉप मांगता है आपसे, तो प्लीज़ अपने सामने ही काम कराइए, और अनजान व्यक्ति को अपना मोबाइल और अपना लैपटॉप या अपना कोई भी ई सिस्टम देने से हिचकिचाएं, मतलब मना करने के लिए तैयार रहें हमेशा, क्योंकि कभी भी कौन किस रूप में आपका नुकसान कर दे आपको पता नहीं चलेगा। रिमेंबर मी और कीप मी लॉग इन वाले शब्द को अपनी डिक्शनरी से आउट कर दीजिए कि ये चीज़ हमारे साथ होना ही नहीं चाहिए। कई बार ऐसा होता है जैसे हम व्हाट्सएप करते हैं, व्हाट्सएप वेब यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप वेब में हम क्या करते हैं रिमेंबर भी कर दे, चल ठीक है पढ़ा रहेगा, और हम मोबाइल से लॉग आउट नहीं होते या हम लैपटॉप से या सिस्टम से लॉग आउट नहीं होते हैं तो वहाँ पढ़ा सकता है, तो और उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है, कोई आपके नाम से कुछ गलत मैसेज कर दे और आप उसके लिए जिम्मेवार हो गए, क्योंकि आजकल साइबर जगत में क्राइम के लिए सजाएं होनी शुरू हो गई हैं, तो और बहुत ही ज़्यादा स्तर पे सजा हो रही है, तो किसी भी व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम तिथि पता आदि का उपयोग कभी भी अपने पासवर्ड के रूप में करना। पासवर्ड कैसे सिक्योर बनाना है इसके बारे में भी अंत में एक स्लाइड मैंने तैयार की है, वो भी आप लोगों के साथ साझा करूँगा। कभी भी फ़ोन ईमेल या एसएमएस पे अपनी व्यक्तिगत बैंक डिटेल्स को साझा ना करें। कोई व्यक्ति आपसे जब तक वो सामने वाला परिचित हो, अगर वो परिचित है खास है आपका रिश्तेदार है तो भी ना करें, लेकिन सगा कोई मांग रहा है आपको पता है जी हाँ कर सकते हैं, तो उसको भी एसएमएस ईमेल के माध्यम से ना करें। फ़ोन पर बात करके आप दे सकते हैं लेकिन ईमेल या एसएमएस के माध्यम से ना करें, क्योंकि जो भी लिखित में आप मैसेज भेज रहे हैं वो लिखित का मैसेज आपका कभी भी कहीं भी लीक हो सकता है।
पॉपअप और संदिग्ध सर्वेक्षणों से दूर रहें, ये बीच बीच में आते रहते हैं। कंटेंट को ठीक से पढ़ें और सेटिंग्स के माध्यम से सभी अवांछनीय पॉपअप को बंद कर दें। पॉपअप को ध्यान रखें, केवल जिज्ञासा मात्र के लिए अनुचित वेबसाइट या उन वेबसाइटों पर ना जाएं जिनसे आप पूरी तरह परिचित ना हो, क्योंकि हमारे जो जनरेशन है, जो अब टीचर्स की अब टीचर्स की बात कर लें कि जो टीचर्स हैं वो भी जब एक डेढ़ साल से यूज़ कर रहे हैं नेट, तो वो सोचते हैं कि हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिले। जब मैक्सिमम से मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन हम प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं तो हो सकता है हमसे भी गलतियाँ हों, तो कोशिश करें कि ऐसी वेबसाइटों पर ना जाएं जिससे हम परिचित ना हों कि हाँ कि वो सेफ है या नहीं है, तो उन चीज़ों से आप बचें। वेबसाइट और वेब ब्राउज़र पर अपनी क्रेडिट डेबिट कार्ड की जानकारी सेव ना करें। कई बार होता है जैसे हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो ऑनलाइन शॉपिंग में डेबिट कार्ड की डिटेल मांगते हैं, फिर नीचे आता है सेव द डिटेल्स फॉर फर्दर यूज़, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि इस बार क्रेडिट कार्ड की डिटेल भर दी, ठीक है, ओके हो गया, तो और जैसे ही हमने सेव कर दी तो सब बस CVV आपका 3 डिजिट का होता है, वो आपने याद करना होता है, उसमें एंट्री की और सारी डिटेल चली गई। तो इन चीज़ों से बचें और ऐसे किसी भी काम को, ऑनलाइन काम के लिए अपने डेबिट कार्ड किसी भी दुकान पर ना दें कि भाई ये मेरे पैसे निकाल देना, ये मेरा डेबिट कार्ड है, इससे पैसे वहाँ ट्रांसफ़र करने हैं, या ये मैं शॉपिंग कर रहा हूँ, मुझे ये पैसे ये ऑनलाइन बुक करना है। कोई दुकानदार बोलता है जी लाइए जी आपका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड दे दीजिए, मैं अभी बुक कर देता हूँ, तो कभी भी अपना क्रेडिट या डेबिट कार्ड ना दे, क्योंकि जब वो डाटा सेव करेगा तो वो 3 डिजिट का नंबर भी याद कर सकता है और वो नंबर का यूज़ करके आपके पास सिर्फ मैसेज आएंगे कि आपके पैसे डिडक्ट हो रहे हैं, पर किस लिए हो रहे हैं ये आपको पता नहीं चलेगा। तो कृपया इन चीज़ों से भी सावधान रहें। असुरक्षित वाईफाई नेटवर्क SSID पर ही इंटरनेट का उपयोग करें, इसके बारे में मैं आपसे पहले भी चर्चा कर चुका हूँ। तो जैसे जो कि जो हमारा नेटवर्क है वो लॉक्ड होना चाहिए, मतलब जो भी हम नेटवर्क लेते हैं उसमें पासवर्ड होना ज़रूरी है। अगर उसमें पासवर्ड नहीं है इट मीन्स वो लॉक्ड नहीं है, वो एक आपके जाल भी हो सकता है आपको फंसाने के लिए कि हाँ जो आलसी लोग होते हैं वो बोलते चलते चलते रास्ते में अरे वाईफाई मिल गया चलो कनेक्ट कर लो। जब वाईफाई आपको फ्री में मिल रहा है इट मीन्स वो भी कुछ ना कुछ आपसे प्राप्त करना चाहेंगे, तो इस चीज़ से थोड़ा ध्यान रखें। ऑनलाइन अकाउंट्स में लॉगिन प्रक्रिया को दोहरा या मल्टी लेवल रखें। डबल स्टेप वेरिफिकेशन नाम की चीज़ हो गई है, जीमेल अकाउंट्स में भी हो गई है कि आप सपोज करिए मोबाइल में ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, आप अगर लैपटॉप में उसी ID से लॉगिन होना चाहते हैं तो एक मैसेज आएगा कि प्रेस दिस नंबर ऑन योर मोबाइल। अब आपने मोबाइल में देखेंगे आपके पास 3 नंबर आएंगे, तो उनमें से अगर आप ही खोल रहे होगे लैपटॉप पे तो आपको पता होगा मुझे ये नंबर को प्रेस करना है। अगर आप अपने लैपटॉप पे किसी भी कहीं भी सिस्टम में खोलोगे आपके पास मोबाइल नहीं है तो आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हो। सेकंड है OTP, तो ये 2 डबल स्टेप वेरिफिकेशन है जो आजकल जनरल हो गए। जब OTP स्मार्ट कार्ड पिन या आपके द्वारा चुना गया सुरक्षा चित्र आदि अन्य विकल्प के रूप में उपलब्ध हो तो लॉगिन के लिए यूज़र नेम और पासवर्ड का उपयोग ना करें। ध्यान रखें जब भी आपसे कहा जाए कि OTP या पासवर्ड तो आप OTP को प्रेफरेंस दें, क्योंकि OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर आएगा, पासवर्ड आप उपयोग ना करें उस जगह पर। पासवर्ड की सूची बनाकर अति सुरक्षित स्थान पर रखें और उन्हें कम से कम 3 मासिक बदलें, जो मैं आपसे पहले भी चर्चा कर चुका हूँ कि लगभग 3 या 4 महीने में इस प्रक्रिया को दोहराते रहें जब भी आप पासवर्ड को बदलना चाहें। सुनिश्चित करें कि कंप्यूटर में नवीनतम सुरक्षा पैच हो और ब्राउज़र ऑपरेटिंग सिस्टम व एंटीवायरस अप टू डेट हो। इस लाइन का सिर्फ एक सार है कि आपको अप टू डेट तो रहना ही है, साथ में आपका मोबाइल या आपका सिस्टम जो भी है लैपटॉप या डेस्कटॉप वो भी अप टू डेट होना चाहिए और एंटीवायरस जरूर होने चाहिए। ये ना समझे कि वायरस का पता लगाने वाला सॉफ्टवेयर सदैव कंप्यूटर के साथ काम करता है, सिस्टम स्कैम को हमेशा प्राथमिकता दें। जब भी आपका सिस्टम आप यूज़ करते ना, मोबाइल हो चाहे कुछ भी हो, जो हमारा वायरस होता है वो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर के लिए नहीं है, वो मोबाइल के लिए भी आती है और मोबाइल पे आता है तो यानी कि अगर स्कैनिंग आती है ना, क्लियर स्कैन, स्कैन द सिस्टम, तो मोबाइल में भी वो फीचर्स हैं, आप उसको कंटिन्यूस स्कैन हर बार यूज़ करें। क्लाउड स्टोरेज सिस्टम में गोपनीय डाटा को साझा या अपलोड ना करें। ध्यान रखें गोपनीय डाटा जो आपका होता है उसको ऑनलाइन के माध्यम से कहीं भी साझा ना करें।
ऑनलाइन के माध्यम से कोई भी डाटा यदि आप साझा करते हैं तो वो डाटा आप अपने आप को खतरे में डाल रहे हैं, क्योंकि आप ये सोचते हैं कि हमने उस डाटा को डिलीट कर दिया है, पर ऑनलाइन पर चढ़ाया गया किसी प्रकार का डाटा कभी भी परमानेंट डिलीट नहीं होता है, उसके कुछ ना कुछ चिन्ह पड़े रहते हैं। ऑनलाइन किए गए सभी लेन देन का रिकॉर्ड रखें और अपने खाते को नियमित रूप से जांचें। आजकल की ऑनलाइन की जो हमारी भागदौड़ है तो उसमें हम ये सोचते हैं कि हाँ कि हम इस चीज़ से चलिए ठीक है, अच्छा हुआ कि मैं दुकान पे गया, मैंने एटीएम से स्वाइप किया और मैंने जो ट्रांजेक्शन करनी थी कर दी, मेरे खाते में पैसे आ गए। जैसे हम पेट्रोल पंप पे तेल डलवाते हैं तो तेल डलवाने के लिए मैं हमेशा डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि डेबिट कार्ड का जब भी हम इस्तेमाल करते हैं तो 0.75% पैसे वापस आते हैं। 0.75 ज़्यादा नहीं होता लेकिन समथिंग बेटर देन नथिंग, लेकिन वो 0.75 हमारे खाते में आते हैं, एक दिन में या दो दिन में वापस हमारे खाते में ट्रांजेक्ट हो जाते हैं। तो यानी कि जो भी लेन देन होती है हमारे खाते में, जो भी पैसा आता है यार हम कहीं पैसे देते हैं, उसका रिकॉर्ड यानी कि हमारी पासबुक अप टू डेट रखें, हार्ड कॉपी में पासबुक रखें। यही एक तरीका है कि हम बैंक से जुड़े रहेंगे। जब आप अपने कंप्यूटर टैबलेट फ़ोन का उपयोग कर चुके हो तो उसकी स्क्रीन को लॉक कर दें, जी ध्यान रखें, या लॉक होने के लिए सेट करें, यानी कि ऑटो लॉक हमेशा अपने लैपटॉप या स्क्रीन पर जरूर रखें। क्योंकि जब कई बार ऐसा होता है कि आप भूल जाते हैं कि मुझे सिस्टम को लॉक करना है और गलती से वो ओपन रह जाए और किसी अनवांछित व्यक्ति के हाथ पहुँच जाए और वो उस मोबाइल का गलत उपयोग कर ले, तो ध्यान रखें कि मोबाइल्स या सिस्टम को ऑटो लॉक पर अवश्य सेट कर लें, या फिर जब आपको लंबे समय के लिए यूज़ करना है तो आप उस चीज़ के लिए अवश्य यूज़ करें और उसको सोचें कि ख़त्म होने के बाद, कार्य पूरा होने के बाद हम उसको लॉक अवश्य कर दें। सिस्टम पर विंडो और एल को एक साथ दबाने से स्क्रीन लॉक हो जाती है। सिर्फ विंडो एल दबाने के लिए हम आलस ना दिखाएं, विंडो एल जरूर दबाएं सिस्टम पर, चाहे वो डेस्कटॉप हो चाहे वो लैपटॉप हो। मोबाइल के लिए आपको पता ही है साइड में एक बटन होती है एंड्रॉयड मोबाइल्स में, नीचे बस बटन दबा दीजिए, आप सारा जो भी काम कर रहे हो वहाँ से आप बाहर आ जाओगे और लॉक लग जाएगा। तो इतना छोटा सा काम है, ये अवश्य करें। कई बार जल्दबाजी में होता है हम छोड़ देते हैं, इसका गलत इंप्रेशन हो सकता है, और सार्वजनिक जगह पर ऐसी गलतियाँ ना करें। ये ना समझें कि आपके डाटा को बनाए रखना और सुरक्षा करना किसी और की जिम्मेदारी है, ऑनलाइन डाटा सिर्फ और सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है। तो आपको अपने बारे में ये सोचना है कि हम उसको कैसे सुरक्षित रखें। जैसे सोना गहने, सोने चांदी के गहने होते हैं, हम अपनी तरह संभाल के रखते हैं, तिजोरी में संभाल के रखते हैं, तो उसकी हमें चिंता रहती है कि हाँ ये मेरा डाटा है, इसको मुझे स्टोर करके रखना है, लेकिन इसको हम कैसे संभाल के रखें ये भी हमारी ही जिम्मेवारी है, तो हमें इसके लिए अप टू डेट होना जरूरी है। ईमेल को खोलने से पहले सुनिश्चित कर लें कि उसका स्रोत इधर वैध पते से है कि नहीं। कोई भी ईमेल आपके पास आती है आप सीधे क्या करते हैं, टच करके उसको ओपन कर लेते हैं, प्लीज़ उसको टच करके ओपन ना करें। आप उसका जो एड्रेस है कहाँ से वो आ रहा है उसको सुनिश्चित कर लें, क्या वो जानकारी है आपकी कि नहीं है। अगर वो अनजान जगह से आ रहा है तो उसको खोलने से बचें। उन दुर्भावनापूर्ण वेबसाइटों के लिंक पर क्लिक ना करें जो आपके कंप्यूटर में मालवेयर वायरस लोड कर सकती है। मालवेयर और वायरस ये दोनों एक प्रकार के मोबाइल को हैंग करने के एक टाइप से आप बोल सकते हो एग्जीक्यूटिंग फाइल होती हैं .exe, यानी कि एक टाइप से सॉफ्टवेयर ही होता है, और जैसे ही वो आपके सिस्टम में आ जाता है वो आपके मोबाइल को हैंग भी कर सकता है और ख़राब भी कर सकता है और डाटा भी चोरी कर सकता है। तो जो ये वेबसाइट्स हैं उन पर ना जाएं। स्पैम ईमेल को बिना सोचे समझे ना खोलें। स्पैम बॉक्स को खोल समय समय पर जांचते और खाली करते रहें। ध्यान रखिएगा आपको जो मेल आ रही है ज़रूरी नहीं कि वो स्पैम में जाए, आपके मेन इनबॉक्स में भी वो आ सकती है, तो आप उसको स्पैम में कैसे भेजेंगे। आप उस ईमेल को खोले बगैर उस पर सिर्फ और सिर्फ एक बार राइट क्लिक करेंगे और सेंड टू ईमेल का ऑप्शन कर देंगे, या मेल के लेफ्ट साइड में एक टिक आइकन होगा उसको टिक करके उस सिलेक्ट कर देंगे और ऊपर लिखा हुआ सेंड टू स्पैम तो उसको स्पैम में कर देंगे। और उसी आईडी से अगर दो या तीन बार मेल आपके इनबॉक्स में आती है और आप दो या तीन बार उस आईडी के ईमेल को स्पैम में सेंड कर देते हो, उसके बाद जो भी ईमेल उस आईडी से आएगी वो ईमेल ऑटोमेटिकली स्पैम में जाएगी।
तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। मैंने कई ईमेल आईडीज़ देखी हैं, कईयों की ईमेल पे दिखा होता है कि 6999 मेल्स, मतलब कोई, हम लोग इतने सजग हैं ही नहीं कि हम अपनी मेल आईडीज़ को खोल सकें। ये मेल्स हैं क्या? इसमें 50% से ज़्यादा तो स्पैम मेल्स हैं। इसमें कुछ ऐसी मेल्स होती हैं कि हमने कहीं कोई किसी सॉफ्टवेयर में, यानी कि स्टडी करने के लिए, सपोज़ करिए किसी ऑनलाइन माध्यम की किसी टीचिंग को हमने ज्वाइन कर लिया, फ्री ज्वाइनिंग था, ज्वाइन कर लिया, तो उसकी भी मैसेज आती हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव ज्वाइन दिस, नाउ फॉर कंटिन्यू दिस। सिलेक्ट करते ही आप उनको सहमति देते हो कि आपसे रिलेटेड कोई भी मेल आईडी हो आप उनको इधर भेजें। तो इस प्रकार की मेल से भी हम बचें और हम अपने ईमेल्स को समय समय पर जांचते रहें। जितना हम समय इनकी जांच पे लगाएंगे उतना हमारे लिए फ़ायदेमंद है। विद्यार्थियों द्वारा डिवाइस के उपयोग की निगरानी करें। जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हम सभी शिक्षक के लिए कि विद्यार्थियों के साथ हम कैसे सुरक्षित तरीके से मोबाइल का प्रयोग कर सकें। इसका मैं आपको एक लाइव डेमो करके दिखाऊँगा कि हम विद्यार्थियों के अंदर भय पैदा कर सकते हैं कि आपका मोबाइल मेरी निगरानी में है। उस चीज़ के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ दो एक्टिविटीज़ करनी है, वो मैं आपको बताऊंगा। हमने भी की स्कूल में, मैंने बच्चों से कहा कि आपने अपने मोबाइल का एक स्क्रीनशॉट लेके भेजना है, तो वो स्क्रीनशॉट वो बच्चा देने से कतराने लग गए क्योंकि उनको पता है वो गलत साइटें भी उन्होंने खोली होंगी, तो वो साइटें हम कैसे स्कूल के साथ साझा करें। तो हम उनको ये भी कह सकते हैं कि हाँ चलिए कोई नहीं, दो दिन बाद आपने स्क्रीनशॉट भेजना है। तो दो दिन कम से कम बच्चा सही जगह चलेगा, सही तरीके से प्रयोग करेगा, जिस उसके बाद वो आपको स्क्रीनशॉट देने में सक्षम रहेगा और वो खुश रहेगा कि हाँ टीचर कभी भी स्क्रीनशॉट मांग सकता है। तो हम ऐसी कोई भी चीज़ अपने मोबाइल में ना खोलें जिसके बारे में हमें आगे शर्मिंदा होना पड़े। इंटरनेट या साइबर उपकरणों के प्रयोग में नियंत्रित यानी पेरेंटल लॉक या छात्र अनुकूलित प्रोफाइल बनाएं। ब्राउज़र खोज, वीडियो साइट आदि पर उपलब्ध विकल्पों का प्रयोग करें। मतलब कि जब भी हम इंटरनेट को यूज़ करते हैं, हम तो कर लेते हैं लेकिन बच्चों को नहीं पता, तो हम पेरेंटल लॉक के माध्यम से सिर्फ उस वेबसाइट्स को अनुमति दें, मतलब कि ये पेरेंट्स के लिए है और शिक्षक सभी साथी यहाँ भी पेरेंट्स के रूप में भी हैं, तो उनको पेरेंट लॉक के अंदर जाके वो साइट खोलने की परमिशन दी जाए जो वो चाहते हैं कि बच्चा उस चीज़ को देखे, बाकियों के लिए लॉक लगा दिया जाए। सुनिश्चित करें कि विद्यार्थियों की पहुंच अनुमति प्राप्त साइट तक ही हो, क्योंकि हम जो कहते हैं कि हाँ ऐसे सेफ रहेंगे हम, ऐसे सेफ रहेंगे हम, लेकिन उस तक विद्यार्थियों की पहुंच कैसे पहुंचेगी? हम तो समझदार बनने की कोशिश करते हैं, हम हो भी जाते हैं समझदार, लेकिन बच्चे आखिर बच्चे ही हैं। तो नियमित अगर हम उन पर कंट्रोल करें, नियमित हम उन पर अगर ध्यान रखें, तो हो सकता है कि इस साइबर क्राइम में बच्चे जाने से पहले ही तैयार हो जाएं और रुक जाएं, क्योंकि ये क्राइम है एक प्रकार का। किसी भी अनुचित वेबसाइट पर जाना भी एक प्रकार का क्राइम है, जिसके बारे में आगे चर्चा हम करेंगे। बच्चों के इंटरनेट उपयोग की ब्राउजिंग हिस्ट्री की नियमित समीक्षा करें। जी हाँ, ये मैं सभी शिक्षा साथियों से अनुरोध करूँगा कि आपके विद्यालय में कंप्यूटर लैब भी होगी, तो कृपया बच्चे जब उनको यूज़ करते हैं, उसके बाद ब्राउजिंग हिस्ट्री को हम नियमित रूप से समीक्षा करें। नियमित का मतलब क्या है? एक दिन में या दो दिन में हम इस प्रकार का एक रजिस्टर लगा लें कि अगर इस कंप्यूटर पे कोई बच्चा यूज़ कर रहा है तो उस रजिस्टर में एंट्री हो कि इस कंप्यूटर को इस बच्चे ने यूज़ किया है और समय लिखा हो कि इतने से लेके इतना यूज़ किया है। तो बच्चे के नाम पे जब कंप्यूटर इश्यू होता है तो बच्चे की स्वयं की जिम्मेवारी होती है कि उस समय उस कंप्यूटर पे कोई गलत चीज़ ना चलाएं। क्यों? उसकी हिस्ट्री हमने रिकॉर्ड में भी लिखी हुई है और लैपटॉप में या डेस्कटॉप पे या सिस्टम पर भी आ जाएगी, जिसके बाद हमें शिक्षक की डांट भी पड़नी सकती है। तो शिक्षकों से इतना अनुरोध है कि एक प्रकार से एक रजिस्टर को हम मेंटेन कर लें अगर हमारे पास लैब है, और लैब के अंदर उस चीज़ की डिटेल सीरियसली संभालें, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा क्राइम है अगर विद्यालय परिसर में कोई अनुचित वेबसाइट का यूज़ किया जा रहा है। तो बच्चों के इंटरनेट उपयोग की ब्राउजिंग हिस्ट्री की नियमित समीक्षा करने के लिए ये सबसे बेस्ट चीज़ है। सेकंड, नाउ अब हम बात करेंगे नैतिक पक्ष। जिस समाज में हम रह रहे हैं वहाँ नैतिकता भी बहुत ही महत्वपूर्ण अपना रोल निभा रही है। तो सबसे पहला है जानबूझकर दूसरों की जानकारी।
जिसमें पासवर्ड, फाइलें आदि शामिल हो सकती हैं, को रिकवर या संशोधित करने के लिए कंप्यूटर इंटरनेट का उपयोग ना करें। मान लीजिए कोई आके आपका आपका लैपटॉप मांग रहा है, ये लैपटॉप दे दो, और उसकी मंशा क्या है कि वो आपसे आपका लैपटॉप किस लिए मांग रहा है, कि आपका उसमें से पासवर्ड या आपकी फाइल लेके वो शेयर कर लेगा और उसका वो फिर वो आपको उसके लिए ब्लैकमेल भी कर सकता है। तो ऐसी चीज़ों के लिए आप भी किसी से ऐसे ना करें और कोई आपके साथ ऐसा ना करें, तैयार रहें। इंटरनेट से साहित्यिक चोरी, इंटरनेट से अगर हम सपोज करते हो जैसे कि कोई एक कंपटीशन आ जाता है कि हाँ इस पर निबंध लिखना है, तो हम पटाक से क्या करते हैं, हम फटाफट लिख लेते हैं कि हाँ जी इस पर निबंध चाहिए, वो हिंदी में निबंध आता है, एज इट इज कॉपी करते हैं और उसको याद करके और वही सुना देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने वहाँ से चोरी की, ये प्लैगरिज्म, वो एक नैतिकता नहीं दर्शाती। आप उस चीज़ का इस्तेमाल करिए, इस्तेमाल करने में कोई मनाही नहीं है, लेकिन उस चीज़ का इस्तेमाल करने से पहले स्टार्टिंग में एक चीज़ अवश्य बता दें कि ये जो डाटा मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ या बताने जा रही हूँ, ये डाटा मैंने इस वेबसाइट से लिया है, ताकि उसका जो भी कॉपीराइट है, क्रेडिट है, वो उनको मिले और हम कॉपीराइट उल्लंघन कानूनों के उल्लंघनों से बचे रहें। ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी बेईमानी होती है और हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि शिक्षक हैं हम, बेईमानों को वैसे ही विरोध करते हैं। यदि आप किसी सामग्री का उपयोग करना चाहते हैं तो मूल निर्माता से अनुमति प्राप्त करें, हमेशा संसाधन के मूल स्वामी को मान्यता और श्रेय प्रदान करें। जो मैंने अभी आपके साथ चर्चा की कि सरकारी वेबसाइटों से कोई भी डाटा आप लेते हो, आप ले सकते हैं, उस पर कोई भी कॉपीराइट नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर आप उनका क्रेडिट उसको दे देते हैं तो आप उनके लिए, आप उनसे बचे रहेंगे, कल को वो आपके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकती। प्राइवेट के लिए एक पहला मुद्दा होता है कि हम प्राइवेट का डाटा कैसे लें। तो प्राइवेट की जो भी वेबसाइट हम यूज़ करते हैं उसके नीचे कॉन्टैक्ट अस लिखा होता है, मेल आईडी होती है, उस मेल आईडी पर आप मेल कर दिए, सर आई वांट टू यूज़ सच अमाउंट ऑफ डाटा फॉर एजुकेशन पर्पस। और जब हम एजुकेशन पर्पस की बात कर लेते हैं तो वो भी वहाँ से मेल आ जाती है, यस यू कैन यूज़ माई डाटा फ्रॉम माई वेबसाइट। हाँ जी, कोई साथी कुछ पूछना चाहते हैं जी? तो कोई भी डाटा हमारे संसाधन की मूल कॉपी के स्वामी को मान्यता और श्रेय अवश्य दें, उनको सिर्फ एक मेल डाल दें और मेल का रिप्लाई मिलता है। ऐसा हमने कई बार किया हुआ है, मैंने भी कई बार कोई डाटा कोई अगर यूज़ किया है, YouTube से भी कोई यूज़ किया है, तो YouTube के चैनल की मेल आईडी पर मैंने उसको भेजा है कि मैं आपके इस वीडियो को एजुकेशनल पर्पज से यूज़ करना चाहता हूँ, तो उधर से रिप्लाई आ रही है। लोगों के साथ ऑनलाइन बातचीत करते हुए कभी भी नकली पहचान ना दें, ये बहुत ही बड़ी अनैतिकता है कि हम लोगों से बात करते हैं, कोई बोलता है मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं हूँ वो हूँ, और लोगों से गलत इमेज बनाते हैं अपनी कि मैं इस प्रकार का रहता हूँ, लेकिन जब वास्तविकता सामने आती है तो हम गलत साबित होते हैं। एक अच्छा भी नहीं लगता आजकल के माहौल के हिसाब से कि हम जिससे बात कर रहे हैं, तो कोशिश करें जब भी आप ऑनलाइन बात करें आप अपनी निजी जानकारी ना साझा करें, आप अपनी निजी जानकारी ना साझा करें, पर अपने बारे में जो कुछ भी आप बताएं वो सही बताएं, नकली ना बताएं। यदि स्वामित्व अधिकार अनुमति ना दे तो दूसरों की मूल रचनाओं से लाभ ना कमाएं, मतलब कि जो हम परमिशन मांग रहे हैं अगर वो ना दे तो आप उनको यूज़ करके क्रेडिट दे दें पर उनसे लाभ ना उठाएं। क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि आजकल कई वेबसाइट्स, यूट्यूबर्स और भी कई चीज़ें ऐसी आ चुकी हैं ऑनलाइन जो सिर्फ और सिर्फ अर्न करने के लिए हो रहा है, मतलब कि आप उनकी वेबसाइट पर जाएंगे, आपकी व्यू टाइम के हिसाब से उनको पैसे मिलेंगे, लेकिन अगर आप उनकी ऐसी सामग्री को देख रहे हैं जो उन्होंने कहीं और से यूज़ की हुई है तो वो आपके लिए नहीं लेकिन उनके लिए खतरनाक है कि उन्होंने किसी और का डाटा प्रयोग किया हुआ है। तो कोशिश करें कि यदि आप भी कोई डाटा यूज़ करते, जैसे कि मैं अभी एग्जाम्पल देता हूँ जो हम लोग अभी तक करते आए हैं, हम लोग गाइड से फ़ोटो खींच के बच्चों को साझा करते हैं कि ये बच्चों एक प्रश्न याद कर लो, गाइड की फ़ोटो खींच ली, बच्चों को भेज दी, बच्चों ये फोटो क्वेश्चन याद कर लो, यानी कि हम भी साइबर क्राइम के एक भागीदारी बनते आ रहे हैं। तो इससे बचने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि जब भी आप किसी भी फ़ोटो की किसी भी किताब से, चैप्टर से फ़ोटो खींच के भेजते हो तो उस फोटो के ऊपर ही लिख दें या फ़ोटो के नीचे लिख दें कि ये डाटा इस किताब से लिया गया है, यह जो हमने सामान, जो मटेरियल हमने यूज़ किया है, ये सारा मटेरियल इस किताब से लिया गया है और इसको हम पढ़ेंगे, मतलब कि
हमने शिक्षा पर्पज से लिया है, कोई आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि उसने हमारा डाटा क्यों लिया, तो आप उनको क्रेडिट दे दीजिए कि इसका सारा श्रेय इस पुस्तक को जाता है, तो इससे आप भी सेफ रहेंगे। अगला है हमारा सामाजिक पक्ष। सामाजिक पक्ष की हम अगर बात करें, सामान्य रूप से सोशल मीडिया और इंटरनेट साइटों पर अपनी निजी जानकारी साझा करने से बचें। ये कई बार मैंने आपको पीछे स्लाइडों में बताया है कि अपनी निजी जानकारी सोशल मीडिया पर या इंटरनेट की साइटों पर साझा ना करें, कोशिश करें कि कम से कम करें, जहां बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है उस जगह ही करें। गाली गलौज, अभद्रता, धमकी, अपमानजनक भाषा आदि से साइबर बुलिंग ना करें। साइबर बुलिंग क्या है, कैसा है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, यह है इसके ऊपर भी एक छोटा सा 2-3 स्लाइड्स हैं। तो गाली गलौज मतलब कोई भी ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल ना करें जो हमें असामाजिक घोषित करे। तो करने वाला अगर ऐसी कोई काम करता है, उनको मतलब भेजने के ईमेल, अगर कोई ईमेल भेजता है, ईमेल के माध्यम से आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन देता है या आपको कोई तंग करता है ईमेल के माध्यम से, तो वो सब कुछ इसके अंदर ही आता है, और इसके लिए आप cybercrime.gov.in पर जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। उन लोगों से मिलने से सावधानी बरते हैं जिन्हें आपने केवल ऑनलाइन माध्यम से जाना है। कई बार होता है कि हमारी दोस्ती हो जाती है, हम सोचते हैं कि हाँ ये मेरा अच्छा दोस्त है, ये मेरी अच्छी दोस्त है, चलिए इससे मिलके आते हैं, लेकिन वास्तविकता ना ऐसा नहीं है। क्यों? कोई ज़रूरी नहीं है सामने वाले ने आपको अपनी असलियत बताई हो, नकली पहचान बताई होगी, तो उससे बचने के लिए तो उन लोगों से मिलने में सावधानी बरतें जिन्हें आप बिल्कुल नहीं जानते, केवल ऑनलाइन माध्यम से ही जानते हैं। ऑनलाइन कुछ भी ऐसा ना करें जो दूसरों की उपस्थिति में करना पसंद ना किया जाए। जी, मैं जो बताना चाहता हूँ ये आप लोग समझ गए होंगे, कोई भी ऐसा कृत्य ना करें जो हम सामान्य रूप से नहीं कर सकते। जिसका एग्जांपल मैं अभी देता हूँ, जैसे कि सपोज करिए एक फ्रेंड है, वो बोलता भाई मेरे पास एक गाना है, आप गाना देखें। लेकिन गाने भी आजकल ऐसे अभद्र हो गए हैं कि वो गाना सिर्फ वो दोस्त ही आपस में देख सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से वो परिवार के बीच में नहीं देख सकते। तो ऑनलाइन भी ऐसा कुछ ना करें या कुछ ऐसा चीज़ ना उस पर सर्च मारें जो आपको ऐसा लगे कि दूसरों की उपस्थिति में करना अच्छा नहीं है। विद्यार्थियों के व्यवहार, अभिवृत्ति, रुचियों में परिवर्तन पर निगरानी रखें और उनसे संवाद स्थापित रखें। यानी कि अब हम यहाँ शिक्षक के बारे में जो बात कर रहे हैं, शिक्षक का सबसे मेन रोल यही है कि विद्यार्थियों के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए, विद्यार्थियों का व्यवहार क्या हो रहा है, क्या ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से उसके व्यवहार में कोई बदलाव आया है, क्या वो बदलाव पॉजिटिव वे में आया है कि नेगेटिव वे में आया है, मतलब पहले बच्चा कैसा था अब कैसा है, चिड़चिड़ापन बढ़ा है कि बड़ा बच्चा खुश है, कॉन्फिडेंस बढ़ा है, तो इन चीज़ों से ज़रूर ध्यान दें। शिक्षकों का ये मेन काम है कि विद्यार्थियों में आ रही जो भी परिवर्तन है वो आप उनके अभिभावकों के साथ साझा अवश्य करें। अभिभावकों से आप पूछ सकते हैं कि हाँ भाई बच्चों में कोई परेशानी आपको नज़र आ रही है, मोबाइल चला रहा है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मोबाइल चलाने की वजह से क्या कोई परेशानी, कोई चिड़चिड़ापन, कोई आदतों में कोई परिवर्तन आ रहा है, तो उस पर ध्यान रखें और उसके बारे में फिर बच्चे से संवाद स्थापित करें। एक मिनट, ये सुमन जी अपना माइक ऑफ कर लें प्लीज, थैंक यू। हाँ जी, तो अब हम बात करेंगे कानूनी पक्ष की। क्या आप सभी को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? कोई भी एक साथी बोल दे। यस सर। ओके, थैंक यू। तो अब हम बात करें कानूनी पक्ष, साइबर क्राइम। जब हम जुर्म की बात करें तो इट मीन्स वहाँ पर कुछ ना कुछ कानूनी दावपेच भी होते हैं। तो कानूनी पक्ष क्या क्या है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो कानून इसके बारे में बना हुआ है तो हम उसके सारे बिंदुओं पर चर्चा नहीं करें, कुछ चुनिंदा चीज़ों की बात करेंगे।
साइबर बुलिंग की सूचना संबंधित अधिकारियों को दे। किसी साइबर बुलिंग से प्राप्त प्रत्येक टिप्पणी को आगामी कार्य हेतु रिकॉर्ड में रखें। दरअसल मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ कि साइबर बुलिंग एक ऐसी क्रिया है जो ऑनलाइन माध्यम से किसी और को धमकाने हेतु या किसी गलत मंशा से भेजी जाती है, तो उसे हम साइबर बुलिंग कहते हैं। जैसे किसी की अश्लील चित्र खींच के उसको संप्रेषित कर देना, आगे भेज देना, फिर आगे फॉरवर्ड कर देना, जिससे उसको मानसिक तौर पे दबाव पड़े, यानी वो थोड़ा सा परेशान हो, इस प्रकार को हम साइबर बुलिंग कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो साइबर क्राइम वेबसाइट में आपको बताता हूँ www.cybercrime.gov.in, इस पर जाकर आप अपनी सूचना दे सकते हैं। और जब तक ये कार्रवाई चलती रहेगी, ऑनलाइन से अपने मोबाइल से या अपने लैपटॉप से उस डाटा को डिलीट ना करें, उसमें वैसा ही पड़ा रहने दें। तो कभी भी ऐसी ईमेल पर भरोसा ना करें जो ऐसी लॉटरी की पुरस्कार राशि प्रदान करता है, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी चीज़ आपको फ्री में नहीं मिलेगी जब तक आप उसके लिए काम ना करें। जब आपने बस की टिकट खरीदी नहीं है तो बस वाला आपको कैसे बोलेगा जी मैं आपको वहाँ छोड़ आता हूँ। जब आपने लॉटरी की टिकट कोई खरीदी नहीं है और आपके पास मैसेज आता है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव वॉन सच सच अमाउंट ऑफ फॉर लॉटरी, तो इट मीन्स वो एक फेक है। और उन फेक चीज़ों से बचने के लिए आप अपने आप को मजबूत रखिए। अगर ऐसी फेक आईडी आपके पास आती है और नीचे लिंक लिखा होता है कि आप इस डिटेल्स को फटाफट भर दें और आज ही आपके पैसा आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, जी हाँ पैसा ट्रांसफ़र ज़रूर होगा, पर किसके खाते से किसको होगा ये आप समझदार हैं। तो इस चीज़ के लिए आप सभी थोड़ा सा तो ध्यान रखें कि कोई भी ऐसे चीज़ के लिए आप उत्तेजित होकर कार्य ना करें, धैर्य बनाएं, संयम रखें कि आपने उसके लिए काम किया है कि नहीं किया। यदि आपने उसके लिए काम किया, आपने यदि कोई फॉर्म भरा हुआ है जिसके लिए आपकी छात्रवृत्ति लगनी है बच्चों के हिसाब से, या आपको कोई मानदेय मिलना है, तो उस बाबत आप जिक्र कर सकते हैं। वहाँ पे आधिकारिक सूचनाएं नंबर भी होंगी, आप उन पर संपर्क करें, लेकिन इस तरीके से आप डिटेल ना। तो किसी भी साइट पर सिर्फ इसलिए भरोसा ना करें क्योंकि वह सिर्फ सुरक्षित होने का दावा करती है, वह एक फिशिंग साइट भी हो सकती है। फिशिंग का मतलब होता है कोई साइट ऐसी बनाए जो आपको जालसाजी में फंसाने की कोशिश करे। तो इन चीज़ों से भी बचें, अपने दिमाग का जरूर इस्तेमाल करें, अवश्य इसका इस्तेमाल करें। हम कानूनी पक्ष की बात कर रहे थे, तो क्या स्क्रीन विजिबल है? एक स्क्रीन यस सर जी, थैंक यू। हाँ, तो ईमेल स्पूफिंग से सावधान रहें, ऑनलाइन खरीद का प्रचार करने वाले नकली विज्ञापनों से सावधान रहें। जी हाँ, आपने कई बार देखा होगा एड्स वगैरह होती हैं, आप कोई भी चैनल चलाते हो, जैसे सपोज करिए YouTube ही चलाते हैं, तो YouTube के जब वीडियो चल रही होती है उसके नीचे थोड़ा सा नीचे आप देखिए एड्स आ रही होती कि मोबाइल ओनली एट रुपीज 2999, लैपटॉप्स ओनली एट रुपीज 13,000, दिस, जबकि उसके फीचर्स देख के आपको पता चलेगा ये तो 1,00,000 कुछ का है और मुझे 13,000 का मिल रहा है। तो हम कोशिश करेंगे जी अभी ऑफ़र है, ऑफ़र सीमित समय के लिए है, और फटाफट से क्लिक करते हैं, देखते डिटेल जाते हैं, और जब आप उसमें पहुंचते हैं तो आपको पता चलता है कि वहां पर वो लिखा होता है कि टाइप योर पिन कोड हियर टू चेक फॉर COD। COD का मतलब होता है कैश ऑन डिलीवरी। तो आप जब भी उसमें अपना पिन डालेंगे तो उसमें लिख के आएगा सॉरी दिस एट दिस पिन नंबर COD इज नॉट अवेलेबल। आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि आप उसमें कोई भी 6 डिजिट का नंबर डाल दीजिए, कहीं का भी पिन हो, COD वहां पे अवेलेबल नहीं होगी, क्योंकि वो एक फेक आईडी है और इस तरीके से नकली विज्ञापन के माध्यम से आपसे वो करवाएंगे। तो वो आपसे क्या करेंगे कि आपसे COD के लिए मना कर देंगे और आपसे कहेंगे कि आप उसको आसानी से अभी खरीद सकते हैं, अभी इसको कैश देके ऑनलाइन करके सॉरी। तो जब आप ऑनलाइन डिटेल भर देंगे, सारी कर देंगे, तो ऑनलाइन कर तो देंगे, आपका पैसा भी चला जाएगा, लेकिन आपके पास कोई रसीद नहीं आएगी, कोई मटेरियल नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। और इस चीज़ से आपको हमेशा अवगत रहना है कि सस्ती चीज़ बहुत महंगी पड़ सकती है, क्योंकि आप जहाँ 1,00,000 की चीज़ 13,000 में लेने जा रहे थे और 13,000
भी आपके खाते से चले गए, पर आपको कुछ नहीं मिला। इट मीन्स आपको 13,000 का लॉस हो गया। और ये 13,000 का ही लॉस नहीं हुआ है, आपकी सारी डिटेल उनके पास चली गई है, आपने उनको अलाउ कर दिया है, तो हो सकता है कि आपके खाते से और भी पैसे चले जाएं। एक आगे लिखा है, अनाधिकृत व्यक्तियों डीलरों से कोई भी उपकरण ना खरीदें। अनधिकृत मतलब जो कंपनियां जो भी हम लेते हैं वो ऑथराइज्ड है कि नहीं है। अगर अनऑथराइज्ड है, ऑनलाइन की बात कर रहा हूं मैं यहां पे, तो ऑनलाइन से अगर हम ब्रांडेड चीज़ खरीदते हैं तो वो ब्रांडेड चीज़ हमेशा कंपनियों की होनी चाहिए। ये नहीं कि हम किसी और चीज़ पर जाकर कुछ और परचेज करते हैं और फिर बाद में पता चलता है नहीं वहाँ भी हम ठगे गए। तो कभी भी किसी और के ईमेल को ना पढ़ें, भले ही आप उसका पासवर्ड जानते हों। ईमेल्स जैसे कि आपको यदि किसी कार्य के लिए ड्यूटी दी गई है कि मेरा मेल चेक करना, डेट्स अ डिफरेंट, वो डिफरेंट इश्यू है, लेकिन आपको किसी का पासवर्ड पता है तो आप ऐसी कोई गलती ना करें कि उस ईमेल को पढ़ें। क्यों आप सोचते हैं कि उसको क्या पता चलेगा कि मैंने ईमेल पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? जी हाँ, उसको पता नहीं चलेगा। उसको पता भी चल सकता है कि आपने अगर ईमेल, जैसे ही आपने ईमेल खोली है, ईमेल जब भी आती है, मोबाइल पर ही बता देता हूँ मैं आपको, तो वो बोल्ड आइकन में होती है, बोल्ड दिखाई देते हैं उसके अल्फाबेट्स। जब बोल्ड फॉन्ट्स होते हैं, जैसे ही आप उसको टच करोगे, जब मेल पढ़ के आपने वापस कर दिया, वो मेल नॉर्मल हो जाती है, बोल्ड उसका हट जाता है। तो उसका बोल्ड हटने का मतलब क्या है कि वो मेल किसी ने पढ़ ली है। अगर जो व्यक्ति की मेल आपने पढ़ी वो इस मामले में सचेत होगा तो उसको पता चल जाएगा कि मेरी मेल पढ़ी जा चुकी है, यानी कि वो अलर्ट हो जाएगा। और हो सकता है वो साइबर क्राइम में इसके लिए रिपोर्ट दे दे कि मेरी मेल कोई और पढ़ रहा है। तो आपको बता देता हूँ, आपके मोबाइल का एक नंबर होता है जो उस मेल आईडी के साथ लिंक हो जाए कि इस इंटरनेट की सहायता से इस ईमेल आईडी को इस सिस्टम में खोला गया, तो वो 2 मिनट से भी कम समय के अंदर आपके पास एक मेल आएगी कि आपने एक ईमेल आईडी खोली है जिसके आप मालिकाना हक नहीं रखते। तो इसको ओपन करने के लिए आपके खिलाफ ये कार्रवाई की जाती है, तो इसके लिए आप तैयार रहें या अपनी रिप्लाई इसको मेल करें। तो उन सारी चीज़ों से बचने के लिए आप कृपया ऐसा कोई भी कार्य ना करो कि आपको कानूनी दावपेच में फंसना पड़े। कंप्यूटर स्रोत सॉफ्टवेयर के मूल रिकॉर्ड के साथ कभी छेड़छाड़ ना करें। जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं हमारे पास, हम सोचते हैं चलिए सॉफ्टवेयर आ गया, जो आमतौर पर ये वैसे हाई लेवल की बातें हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए, कॉपी करते हैं, प्रोग्रामिंग में थोड़ी सी एडिटिंग करते हैं, फिर वो अपना सॉफ्टवेयर को शो करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कभी यदि वो पकड़ा जाए कि वो सॉफ्टवेयर इसका मूल रिकॉर्ड था, तो उसके खिलाफ भी एक कानूनी कार्रवाई हो सकती है। बिना व्यक्ति संगठन की अनुमति के एकत्र किए गए डाटा को कभी भी साझा या परिवर्तित ना करें। ये आप लोग के साथ रोज़ होता है, आप लोग इस चीज़ से डेली भुगतते भी हैं कि लगभग सभी साथी के पास कोई ना कोई बैंक से कॉल आई होगी। और बैंक के पास आपका डाटा कहाँ से जा रहा है? वो किसी ना किसी माध्यम से उनके पास पहुँच रहा है। एक बार मेरे पास फ़ोन आया तो मैंने उनसे पूछा, जी आपके पास मेरा फ़ोन नंबर कैसे पहुँचा? उन्होंने बोला कि हमें बैंक ने प्रोवाइड किया। और जबकि हम बैंक से पूछते तो बैंक वाले बोलते हैं जी हम अपनी गोपनीयता किसी साथ साझा नहीं करते। तो इसका मतलब या तो वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है जो ये कह रहा है कि हमें बैंक ने दिया, या वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है जो ये कहता है कि हम अपनी गोपनीयता साझा नहीं करते। बट कहीं ना कहीं से तो मेरा नंबर लीक हुआ, क्योंकि उनको ये पता चला कि मेरा अकाउंट इस बैंक में है। वो ये कहते हैं कि हमें इस बैंक ने अपने कस्टमरों की डिटेल दी है, नो डाउट उस बैंक में आपका है। तो इन चीज़ों से भी आप ध्यान रखिए, जो ये दावा भी करते हैं कि हम अपना डाटा लीक नहीं करते, वहाँ भी आपका डाटा लीक हो रहा है। कि वो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल नंबर देते हैं, वो आपसे आपका नाम भी आपसे पूछें, हाँ जी कौन सर बोल रहे हैं, जी आपका नंबर ये है ये है। तो इन चीज़ों से बचिए। कभी भी किसी व्यक्ति की तस्वीर को उसकी सहमति के बिना ना कैप्चर करें, ना ही पुनः बनाएं या प्रसारित करें। यानी कि ये हम जब भी आपस में करते हैं तो उनकी सहमति हो, उनसे पूछें कि ऐसा हम कर लें, अगर वो हाँ करते हैं तो ही इसको आगे प्रेषित करें। अनुचित सामग्री को कभी भी प्रकाशित या प्रसारित ना करें। अनुचित सामग्री हर प्रकार की सामग्री वो है जो किसी ना किसी को किसी ना किसी प्रकार से ठेस पहुंचाती है। तो इस प्रकार की कोई भी सामग्री कभी भी प्रकाशित या प्रसारित ना करें, नहीं तो आप कानूनी दावपेच में फंस सकते हैं। बच्चों से संबंधित किसी भी आपत्तिजनक या अपमानजनक इलेक्ट्रॉनिक सामग्री की रिपोर्ट संबंधित अधिकारियों को करें। अगर कोई भी रिलेटेड ऐसा मटेरियल, इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल का मतलब है कोई वीडियो या ऑडियो किसी बच्चे या फोटो
किसी बच्चे से भी, किसी बच्चे की आ रही है जो कि बहुत ही ज़्यादा आपत्तिजनक है, तो आप अपने अधिकारियों को इसके बारे में सूचित करें। किसी को भी धमकी भरा या अपमानजनक या अभद्र ईमेल ना करें। मैं आपको कई बार पहले ही बोल चुका हूँ, फिर एक बार बताना चाहूँगा कि आप जो कुछ भी ऑनलाइन के माध्यम से करते हो उसका डाटा हमेशा के लिए ऑनलाइन पर पड़ा रहता है, भले ही आप अपनी तरफ से उसे डिलीट कर देते हैं। तो किसी को भी धमकी भरा या अपमानजनक या अभद्र ईमेल ना भेजें कि कहीं गलती से आप भेज देते हो, डिलीट भी हो जाता है आपसे, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जिसके बाद भेजा उससे भी आप डिलीट करो, लेकिन जो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर सर्वर्स हैं वहाँ पर आपका डाटा हमेशा किसी ना किसी रूप में पड़ा रहता है। संस्थान से संबंधित किसी भी कंप्यूटर हार्डवेयर एवं अन्य उपकरणों का दुरुपयोग ना करें। दुरुपयोग हर प्रकार से है कि कोई पर्सनल रूप से इसका प्रयोग ना करे, वो भी दुरुपयोग में आता है कि हाँ जी चलिए कोई नहीं, चार कंप्यूटर पड़े हैं, एक कंप्यूटर मैं घर ले जाता हूँ, इसका मैं प्रयोग कर लेता हूँ, ये भी दुरुपयोग में आता है। और दूसरा दुरुपयोग का मतलब वही है कि कोई आपत्तिजनक वेबसाइट खोलना जिससे हम अपने आप को अशोभनीय घोषित कर दें, तो इन ऐसी चीज़ों को ना करें, क्योंकि संस्थान में जब भी ऐसा कोई कर्म या कृत्य होता है तो वो संस्थान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को भी न्योता दे सकता है। तो कॉपीराइट अधिकारों वाले संसाधनों की कानूनी पक्ष का ध्यान रखें। मैं आपको फिर से बताऊं, कोई भी मटेरियल हो अगर उसके नीचे सी बनाए और सी के ऊपर सर्कल बनाए, कॉपीराइट के ऊपर मैं फिर कभी आप लोग को मौका मिलेगा तो एक बातें साझा करूंगा। कॉपीराइट के ऊपर बहुत ही सारी चीज़ें हैं कि ये 6 प्रकार के कॉपीराइट अधिकार होते हैं, इनके बारे में हर एक के बारे में किसमें कितना हमको होता है फ़ायदा, किसमें नहीं होता है, तो ये सारी चीज़ हम फिर कभी साझा करेंगे। आज सिर्फ इतना समझ लें कि जिस पर भी कॉपीराइट अधिकार होते हैं उनका कानूनी पक्ष का ध्यान रखें। दो एक टाइप का कॉपीराइट मैं आपको YouTube के माध्यम से अभी दिखाऊंगा कि अपने मोबाइल पर चला के, और फिर भी अगर किसी कोई दिक्कत है तो बताएंगे। अब हम साइबर कानून की बात करते हैं। साइबर कानून क्या है? साइबर कानून एक प्रकार से कानूनी धाराओं का संयोजन है जिसमें बहुत ही प्रकार की कानूनी धाराएं दी हुई हैं, जिसमें हम किस कृत्य के लिए कौन सी सज़ा है उसके बारे में चर्चा करें। सारी सजाओं के बारे में बात नहीं करें, 2-3 के बारे में ही चर्चा करेंगे। जैसे कि 67A धारा 67A के अंतर्गत यदि कामुकता व्यक्त करने वाले कार्य आदि वाली सामग्री के इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशन किया गया, अगर इस प्रकार का कर्म होता है तो उसके लिए 7 वर्ष तक की जेल या 10 लाख रुपए जुर्माना या फिर दोनों। तो ध्यान रखें कि कोई भी किसी प्रकार की ऐसी किसी से कोई गलती से भी गलती ना हो। 67B कामुकता व्यक्त करने वाले चाइल्ड पोर्न की अगर हम बात करें तो उसके लिए भी पहली बार अपराध सिद्ध होने पर 10 लाख रुपए जुर्माना के साथ 5 वर्ष तक कारावास, और दूसरी बार अपराध साबित होने पर 7 वर्ष तक का कारावास और 10 लाख जुर्माना या दोनों। यानी कि जुर्माना राशि इतनी ज़्यादा है कि कोई अगर जुर्म करने की सोचता भी है तो वो जुर्माना के बारे में पता होने पर तो इस बारे में सोच भी नहीं सकता। धारा 70 किसी संरक्षित सिस्टम तक पहुंच प्राप्त करना अथवा पहुंच प्राप्त करने का प्रयास करना, मतलब किसी भी सिस्टम तक आप हैकिंग के जरिए पहुंचने का प्रयास कर रहे हो तो इस प्रकार की सजा है 10 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों। और धारा 71 गलत प्रस्तुति या तथ्य छिपाने के लिए, यानी कि कोई किसी को कुछ बता रहा है लेकिन गलत प्रेजेंटेशन, जिसे हम बोलते हैं फॉल्स आइडेंटिफिकेशन, आप नकली अपनी इमेज बनाए घूम रहे हो, और उसके लिए आपको 3 वर्ष तक का कारावास या 1 लाख का जुर्माना या दोनों हो सकता है। तो ये है हमारी साइबर सिक्योरिटी। अब आप साइबर सिक्योरिटी देखिए, बीच में दिखाई दे रहा होगा, इसमें से ये दिया है मेजर थ्रेट्स ऊपर की तरफ है, और सेफ प्रैक्टिसेस जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्टिंग जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सेफ प्रैक्टिस की अगर हम बात करें तो हमें क्या होना चाहिए, जो डेस्कटॉप के लिए क्या क्या होना चाहिए कि हमारा पासवर्ड प्रोटेक्टेड होना चाहिए, सॉफ्टवेयर अपडेटेड होना चाहिए, डाटा बैकअप रहना चाहिए, पायरेटेड चीज़ों से बचे रहना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम अप टू डेट होना चाहिए, एंटीवायरस अप टू डेट होना चाहिए। ये हमारी सेफ्टी है कि हम इतनी सेफ्टी ले सकते हैं कि अगर हम साइबर सिक्योरिटी से बचें।
लेकिन साइबर सिक्योरिटी है क्या? कोई वायरस, ट्रोजन, रैंसमवेयर, वॉर्म्स, एडवेयर्स, इस प्रकार की सारी चीज़ों से हम कैसे बच सकते हैं? वो हमें एंटीवायरस बचाएगा, हम अप टू डेट रहेंगे तो उससे हम बचे रहेंगे, और हम साइबर लॉज के बारे में जानेंगे तो हम उससे बचेंगे, कौन आप पे कब साइबर केस कर सकता है और कैसे हम उससे बचेंगे। तो ये मेरा छोटा सा लेक्चर था कि शिक्षकों के लिए साइबर सिक्योरिटी कैसी। अब हम बात करेंगे परवरिश, डिजिटल पेरेंटिंग। ये जो प्रोग्राम है ISEA, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन एंड अवेयरनेस के द्वारा चलाया गया है, जिसके भागीदारी में NCERT ने बहुत अच्छा रोल निभाया है, और साथ साथ ये सारी डिटेल्स आपको www.infosecureawareness.in पर अवेलेबल है। तो जो परिवार एक साथ सीखता है वह एक साथ जुड़कर रहता है, इसलिए डिजिटल युग में सही प्रकार की पेरेंटिंग के लिए तैयार है, क्योंकि आजकल का जो युग है हमें सभी को पता है कि डिजिटल है, कि हम कोई भी कार्य करने से पहले 70% जो हमारे कार्य हैं वो डिजिटल ही सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि अगर हमें कहीं जाना होगा तो हम ऑनलाइन के माध्यम से मैसेज छोड़ देंगे कि हम यहाँ जा रहे हैं, या वहाँ पे हम पूछेंगे उस जगह का मौसम कैसा है, डिजिटली मतलब ऑनलाइन के तरीके से हम ये देखेंगे कि उस एरिया में क्या चल रहा है टेम्परेचर, उस हिसाब से हम अपने कंबल, मतलब सपोज़ करिए शिमला साइड जाना, उस साइड क्या डिटेल्स है, मतलब उसके एनवायरनमेंट क्या बोल रहा है इस समय, उस प्रकार से हम तैयारी करके चलते हैं। इट मीन्स डिजिटल्स के बगैर हम भी अधूरे हो चुके हैं, लेकिन डिजिटल पेरेंटिंग एक बहुत ही मुश्किल कार्य है। आजकल के युग में पेरेंटिंग करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि दो टाइप से बचाना, आमतौर पर बच्चों को जो हम मेंटली और फिजिकली समझाते हैं, सॉरी पहले हम फिजिकली उनको स्ट्रांग करने की कोशिश करते हैं, अब हमें डिजिटल पेरेंटिंग के माध्यम से उनको मेंटली, फिजिकली और साइबरिज्म से भी मजबूत रखना है, जो साइबर पे जो अटैक्स हो रहे हैं उनसे उनको बचाना है, जिसको हम डिजिटल पेरेंटिंग बोलते हैं। ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी अवेयरनेस एजुकेशन एंड अवेयरनेस का प्रोजेक्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चल रहा है, और सपोर्ट हो रही है NCERT। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अभी अभी मैंने आपसे पीछे चर्चा की थी कॉपीराइट के बारे में, ये जो सारा डाटा है वो मेरा NCERT और MEIT गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लिया गया है। डिजिटल पेरेंटिंग को समझना, वर्तमान डिजिटल युग में जहाँ सीमित परिवार डिजिटल गैजेट से अधिक गहरे जुड़ गए हैं, यह आवश्यक है कि माता और पिता दोनों ही उनके लिए उपलब्ध डिजिटल संसाधनों के उचित और जिम्मेदार उपयोग के बारे में अच्छी तरह से जानते हों। अगर हमें ही ये चीज़ नहीं पता होगा, हम उस बाबत जागरूक नहीं होंगे, तो हम कैसे कह सकते हैं कि बेटा ये चीज़ सही है या ये चीज़ अनुचित है, हम इससे दूर रहें। यह जागरूकता माता पिता को यह सुनिश्चित करने में मदद करती है कि उपयोग किए जाने के लिए उपलब्ध डिजिटल संसाधनों के जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग के लिए परिवार के भीतर कुछ दिशा निर्देश बनाए जाएं। मतलब कि हम बच्चों को लिमिट कर देते हैं, बेटा नहीं ऐसा है, सिर्फ इतने से बजे इतने, 10 मिनट के लिए आप फ़ोन चलाइए या 1 घंटे के लिए आप फ़ोन चलाइए, लेकिन फ़ोन तो बच्चा चला रहा है, लेकिन क्या चला रहा है, क्या हम उसकी मॉनिटरिंग करते हैं? तो ये भी एक डिजिटल पेरेंटिंग का रोल है कि हमें मॉनिटर करना है कि बच्चा क्या देखे क्या ना देखे। तो COVID-19 के दौरान सुरक्षित तरीकों से ऑनलाइन माध्यम द्वारा जो कि हम बच्चों को सिखाने का प्रयास करते हैं, तो उसके ऊपर इनका भी एक रोल आता है। बच्चे का जो पेरेंट्स का जो रोल है उसके बारे में हम बात करते हैं। अच्छे डिजिटल पेरेंटिंग कौशल के लिए माता पिता को डिजिटल जगत में बने रहने के लिए, उसके वर्तमान परिदृश्य से परिचित होने के लिए, उसे अपनाने के लिए ये 3 बिंदुओं के बारे में ज्ञानी होना जरूरी है, यानी समझदार होना जरूरी है। वर्तमान परिदृश्य में जिस डिजिटल जनरेशन गैप का सामना कर रहे हो, उस दूरी को हम कैसे निपटाएं, क्योंकि हमारा जो जनरेशन है और जो नया जनरेशन चल रहा है, इन दोनों के बीच में गैप है, ये टोटली डिजिटलाइज्ड है, तो उसके एक गैप को हम कैसे दूर करें। बच्चे के जीवन में डिजिटल बच्चे के ऑनलाइन व्यवहार की देखरेख और साथ ही उन्हें आवश्यक ऑनलाइन स्वतंत्रता अवसरों पर दूर रखने के लिए, या उनके बीच जो संतुलन है उसको नाजुक तरीके से संतुलन संभालने के लिए कैसे करें। मतलब हमें बच्चों के साथ संतुलन बना के चलना है। बच्चों को ना हम डांट सकते हैं इस चीज़ के लिए, लेकिन
बच्चों को हम कुछ और तरीके से मोटिवेट करके उस रास्ते से थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। तो हम इसके बारे में बात करते हैं कि कुछ बिंदु हैं जैसे कि डिजिटल पेरेंटिंग कौशल, डिजिटल संसाधनों के उचित उपयोग पर खुली और प्रभावी चर्चा को सक्षम बनाता है। तो इन चीज़ों के लिए जैसे कि हम अगर ओपन माइंडेड होकर बच्चों से बात करें कि यार क्या कर रहे हो, इसमें ये क्या है, इससे क्या बेनिफिट हो रहा है, तो बच्चा थोड़ा सा देखेगा, फिर बोले पापा आप भी देखो, तो खेल के देखो। अगर छोटे बच्चे तो ऐसे बोलेंगे आप भी खेल के देखो, अगर बड़ा बच्चा होगा तो आपको बोलेगा नहीं इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है। फिर उसमें धीरे धीरे बच्चे का और पेरेंट्स का जो संवाद शुरू होता है, और वो इतना मधुर होना चाहिए कि बच्चा कि पेरेंट उसके लिए गुस्सा ना हो। प्राचीन पद्धति की पेरेंटिंग के उचित मात्रा में ज्ञान के साथ इस ज्ञान का मिश्रण भी होना चाहिए, तो और सही उपयोग को लेकर चर्चा का मार्गदर्शन करने में सक्षम बनाएगा। जब हम डिजिटल पेरेंटिंग कौशल, डिजिटल संसाधनों के उचित उपयोग पर खुली और प्रभावी चर्चा करेंगे। सेकंड बिंदु है हमारे पास, डिजिटल पेरेंटिंग कौशल आपको डिजिटल दुनिया में अपने बच्चों का रोल मॉडल बनने में सक्षम बनाता है। बच्चों के लिए रोल मॉडल सबसे पहले शुरुआत ही पेरेंट्स से होती है, और हमें इस युग में अपने बच्चे के लिए रोल मॉडल बनना भी ज़रूरी है। और रोल मॉडल बनना सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि रोल मॉडल से बच्चे, जो आजकल हम बच्चों की बात कर रहे हैं, वो बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं ये पूछूंगा मुझे ये रिप्लाई आएगी। तो हम उस प्रकार से कोशिश करें कि अधिक से अधिक अप टू डेट रहें। अच्छा डिजिटल पेरेंट बनने के तरीके, अच्छा डिजिटल पेरेंट कौशल के लिए डिजिटल उपकरणों के सही और उचित उपयोग के अद्यतन ज्ञान के साथ पुराने समय के पेरेंटिंग ज्ञान के सही अनुपात में प्रभावी निष्पादन की आवश्यकता होती है। सफल डिजिटल पेरेंटिंग के लिए माता पिता को परिवार में अच्छी डिजिटल प्रथाओं को लागू करने के तरीके से बनाने की आवश्यकता होगी। तो क्या क्या वो बिंदु हैं, ये 5 बिंदु हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। तो पहला बिंदु है हमारा, एक अच्छे डिजिटल रोल मॉडल बनना। माता पिता के लिए अच्छी डिजिटल आदतें तैयार करना आवश्यक है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि माता पिता का व्यवहार और आदतें बच्चे को बाद में उन्हें अपनाने में अनकही स्वीकृति की तरह होता है। जब बच्चा आसपास हो तो डिजिटल उपकरणों का बहुत अधिक उपयोग ना करें। बच्चों पर और उसकी बातों पर ध्यान दें कि वो आपको क्या बताना चाहता है। बच्चों के साथ होने पर उनसे परस्पर संवाद करें। सोने से पहले, खाना खाने के समय या खेलने का समय, ड्राइविंग के समय आदि जैसे डिजिटल उपकरणों का प्रयोग ना करें। इसको डिजिटल फ्री जोन बना लें कि हाँ मुझे खाना खाने जाना है तो खाना खाने से पहले अब मैं इस समय मोबाइल का प्रयोग नहीं करूँगा, तो डिजिटल फ्री जोन बना लें। तो इसके बाद जैसे ही हम बात करें संवाद के लिए डिजिटल माध्यम का उपयोग करते समय नम्रता और अच्छा शिष्टाचार दर्शाएं। बच्चों के साथ मतलब कि अच्छे व्यवहार से हम पेश आएँ, कोई ऐसा व्यवहार ना करें जो बच्चे के मन पर बुरा प्रभाव डाले। दूसरा है खुला संवाद करें, बच्चों के साथ खुली बातचीत, शेयर और चर्चा करें। बच्चों के साथ खुला मुक्त विचारशील संवाद रखें, यह परिवार के बंधन को मजबूत करने और बच्चों को एक मजबूत सहायक संरचना प्रदान करने के लिए एक स्वस्थ तरीका है। यह बच्चों को उनके डिजिटल मुद्दों पर माता पिता से सुझाव लेने में भी मदद करता है। जब बच्चे आपसे अपनी डिजिटल समस्याओं के बारे में बात करने की कोशिश करें तो उन्हें आप ध्यानपूर्वक सुनें व उनके समाधान के लिए पूरा प्रयास करें। किसी भी आलोचनात्मक या एक तरफा निर्णय के उनकी बातों का सम्मान करें। संभावित समाधान पर पहुंचने या मेंटरशिप की पेशकश करने के विभिन्न तरीकों पर चर्चा करें। बच्चों से बात करते समय सकारात्मक, उत्साहजनक और प्रेरक दृष्टिकोण रखें। आवश्यकता से अधिक प्रतिक्रिया अथवा उत्तर देने के बजाय शांत रवैया अपनाएं, और बच्चों के लिए सुलभ हो खाने का समय, सोने से पहले का समय और सप्ताहांत पर कहीं सैर जाने आदि जैसे कुछ समय परिवार और बच्चों को दें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं पॉइंट्स कि खुला संवाद बच्चा आपके साथ कब कर सकता है, जब आप बच्चों को टाइम देंगे डिजिटल लाइफ से साइड होकर। तो तीसरा बिंदु हमारे पास है, ट्रैक रखें और जानकारी बनाए रखें।
माता पिता को बच्चे की डिजिटल गतिविधियों के को ट्रैक करने और उसकी निगरानी करने में सक्षम होना चाहिए। यह आवश्यक है कि बच्चे प्रकृति से उत्सुक होते हैं। साइबर स्पेस में ऐसे अज्ञात क्षेत्रों में जाना चाहते हैं जहां खतरे छुपे होते हैं, तो इनके लिए ऐसे उपलब्ध प्रौद्योगिकियों और ऐप्स की मदद लें जो आपके बच्चों की ऑनलाइन गतिविधि पर नज़र रखें। बच्चों को मौखिक और अशाब्दिक व्यवहार के संकेतों के बारे में चौकस और जागरूक करें। डिजिटल उपकरणों पर उम्र के अनुसार उपयुक्त सुरक्षा सुविधाओं और गोपनीयता सेटिंग्स को इनेबल करें। बच्चों की ऑनलाइन गेमिंग आदतों की निगरानी करें और उन्हें कुछ विशेष ऑनलाइन गेम्स के खतरों के बारे में जागरूक करें। तो स्क्रीन को दिए जाने वाले समय को एक अकेले व्यक्ति की गतिविधि के बजाय संयुक्त गतिविधि बनाएं। आपने देखा होगा कि आपके बच्चे बहुत ही समय तक मोबाइल चलाते हैं, तो वो मोबाइल जब बच्चा चलाता है तो क्यों ना उस मोबाइल को जो बच्चा अकेला देख रहा है उसको इस प्रकार के गेम डाल के दिए जाएँ या इस प्रकार का काम बच्चों को दिया जाए कि उस प्रकार उस समय बच्चा खुद बोले, लीजिए ये अब आपकी बारी, आप ये बताइए, ये आपकी बारी, यानी कि समय उसकी आँखों से भी दूर हो और काफ़ी सहायता रहे, शरीर पर कम से कम असर पड़े। चौथा बिंदु है सीखना, पुरानी सीख को छोड़ने और नई सीख हासिल करने के लिए तैयार रहें हमेशा, क्योंकि हमेशा ये रहता है कि जो परिवर्तन का युग हर समय आता रहता है, तो पुरानी चीज़ के लिए हम रूढ़िवादी ना हों, नई चीज़ों को हम सीखें और उसमें ढलने का भी हम प्रयास करें। तो साइबर युग के वर्तमान परिदृश्य में पेरेंटिंग की चुनौतियों के लिए जागरूक और तैयार रहना चाहिए। पेरेंटिंग प्रौद्योगिकी में नवीनतम विकास, उनके फायदे या नुकसान के बारे में जानने या उसके प्रभाव के लिए भी तैयार रहें जो बच्चे के डिजिटल मीडिया पर कार्य व्यवहार से हो सकता है। उन पेरेंटिंग दृष्टिकोण के बारे में जानने के लिए तैयार रहें जो अभिनव सीमाधार निर्धारण के बीच सही संतुलन खोजने के लिए प्रभावी रणनीति बनाए हैं। हमेशा याद रखें कि ऐसा कोई भी निश्चित तरीका नहीं है जिसके द्वारा एक पूर्ण सफल डिजिटल पेरेंटिंग के मार्ग निर्धारित किया जाए, जबकि इस विषय पर सहयोगात्मक जानकारी उपलब्ध है। प्रत्येक माता पिता की यात्रा उनकी अपनी गलतियों और उनसे सीखने की अनूठी कहानी होगी। केवल लगातार प्रयास करता रहना ही एकमात्र रास्ता है। तो ये चार बिंदु थे। पांचवा बिंदु है पेरेंटल कंट्रोल। पेरेंटल कंट्रोल के लिए बहुत सारे ऐप है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा बार्क मॉनिटर डिटेक्ट अलर्ट, तो ये आपको कोई ऐप डाउनलोड करने की आवश्यकता पड़ेगी। इससे बढ़िया आपके मोबाइल में भी एक ऐसा ऐप है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे अंत में। तो बच्चे की डिजिटल गतिविधि पर लगाम लगाते समय माता पिता का नियंत्रण होना चाहिए। उन गतिविधियों पर प्राथमिकता तय करना जो बच्चों को पहले करने की ज़रूरत है और सीमाओं से परे गैजेट्स में लिप्त नहीं होना। ऐप्स, गेम, टीवी देखने पर प्रतिबंध लगाना, उम्र के अनुसार उपयुक्त सामग्री डाउनलोड करने, बच्चे के लिए उपलब्ध सुरक्षा फीचर्स को नियंत्रित करना, ये सब पेरेंट का काम है और आजकल के जो डिजिटल पेरेंटिंग है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। बच्चों के डिवाइस पर विशिष्ट साइट की लिस्टिंग के लिए गूगल सेफ सर्च जैसे मददगार संसाधनों का उपयोग करना, प्रतिबंधों से युक्त अलग अकाउंट्स बनाना जो उम्र के अनुसार उचित हों आदि। तो यानी कि ये बहुत सारे काम हैं आजकल के युग में पेरेंट्स के लिए, और जो पेरेंट्स अधिकतर कामों में लिप्त रहेंगे इन जैसे कामों में, तो सफल डिजिटल पेरेंट बनने के नज़दीक पहुंच जाएंगे। क्योंकि एक रास्ता, सिर्फ मैंने अभी पीछे चर्चा में बताया था कि एक रास्ता ये है कि नियमित डिजिटल नॉलेज को इजाफा करते रहें, कुछ ना कुछ ऐसा सीखें जिससे आपको, आपके परिवार को फ़ायदा मिले। तो इन चीज़, ये हमारा था डिजिटल पेरेंटिंग के ऊपर। अब हम बात करेंगे COVID-19 के दौरान सुरक्षित तरीके से ऑनलाइन माध्यम द्वारा सीखना बच्चों के लिए, कि बच्चे क्या करें, क्या ना करें, कैसे करें, क्योंकि ऑनलाइन के लिए वो भी इस बार शुरुआत की है उन्होंने। और साइबर बुलिंग समझना क्यों आवश्यक है, अभी मैंने साइबर बुलिंग के बारे में शुरुआत में बताया था कि मैं आप लोग को साइबर बुलिंग के बारे में बताऊंगा। तो साइबर बुलिंग क्या है, क्यों है, कैसा है? साइबर बुलिंग के लिए किसी व्यक्ति का उत्पीड़न करने हेतु इलेक्ट्रॉनिक माध्यम की आवश्यकता होती है।
जो कि किसी व्यक्ति को धमकाने या डराने वाले संदेश प्रेषित करने किया जाता है, और यह सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 एवं भारतीय दंड के तहत दंडनीय अपराध है। इसके अंतर्गत किसी की फोटो या वीडियो को उसको परेशान करने के लिए पोस्ट किया जाता है सोशल प्लेटफॉर्म के सभी पहलुओं, जिसमें चैट रूम, ब्लॉग्स, तुरंत संदेश, इंस्टेंट मैसेज जिसे हम बोलते हैं, भेजने के माध्यम शामिल हैं, का प्रयोग साइबर बुलिंग के लिए किए जाते हैं। साइबर बुलिंग में क्या क्या शामिल है? वेबसाइट पर किसी व्यक्ति द्वारा डाले गए अपडेट फोटो एवं वीडियो पर आहत करने वाले कमेंट या गलत अफवाह, जो मैंने आप कहा था किसी को आप गलत अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें, ये भी साइबर बुलिंग में आता है। किसी व्यक्ति की सहमति के बिना उसकी फोटो डालकर उसको शर्मसार करना, किसी व्यक्ति को अलग संस्कृति, सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर ऑनलाइन समूह या फोरम से बाहर करना, किसी के अकाउंट का पासवर्ड चुराकर उस अकाउंट से किसी अन्य को उत्पीड़न करने के लिए अवांछनीय अनुचित संदेश भेजना, ये सारी चीज़ें साइबर बुलिंग कहलाती है। जो आजकल बच्चे सोचते हैं कि हम तो हंसी मजाक के लिए कर रहे हैं, और कल को वो किसी ना किसी समस्या में फंस सकते हैं, तो बच्चों को इन चीज़ों से अवगत कराना चाहिए। ऑनलाइन हम सुरक्षित कैसे रहें, क्या करें? पासवर्ड गाइडलाइन के अनुसार मजबूत पासवर्ड का चयन करें एवं उसके दुरुपयोग को रोकने के लिए उसको नियमित अंतराल पर बदलते रहें। सोशल नेटवर्किंग साइट के गोपनीयता सेटिंग्स को ध्यानपूर्वक पढ़ें, जो उसके अंदर सेटिंग्स होती हैं वो सारी की सारी सेटिंग्स आपने पढ़नी है। आजकल की जो जनरेशन होती है वो इन चीज़ों को नहीं पढ़ती है, फटाफट अलाउ करती है, क्योंकि उसमें एक ऑप्शन डिनाई का भी आता है। अगर वो सारी की सारी चीज़ें अच्छी हैं तो डिनाई का ऑप्शन क्यों दे रहे हैं, ओनली अलाउ का ऑप्शन क्यों नहीं देते? वो अलाउ का ऑप्शन इसलिए दे रहे हैं कि हम आपसे परमिशन मांग रहे हैं कि आपने मुझे अलाउ किया है कि नहीं किया, आप मुझे डिनाई भी कर सकते हैं। केवल अपनों जानकार लोगों के साथ बातचीत करें, जो आपके अपने हैं अगर जानकार हैं उनके साथ आप कोशिश करें, आप ऑनलाइन बातचीत करें। जो दूर दराज में कोई आपके साथ मतलब कि रिश्तेदार रहते हैं, कोई किसी और राज्य में रहता है, कोई किसी और राज्य में या किसी अलग अन्य ज़िले में रहता है, उनसे बात करना है तो आजकल जैसे कि हम कहते हैं कि वीडियो चैट होती है, वो भी एक ऑनलाइन माध्यम है, इसके ज़रिए आप जानकार लोगों के साथ ही बातचीत करें। वेबसाइट पर बेहद सावधानी के साथ कोई भी फोटो, वीडियो या अन्य संवेदनशील सूचना पोस्ट करें, क्योंकि उनके डिजिटल पद छाप हमेशा के लिए ऑनलाइन रहते हैं। तो इन चीज़ों पे ध्यान रखें, ऐसी कोई भी चीज़ पोस्ट ना करें जो आपके साथ आगे आपको परेशानी में डाल दे। अगर आपको शक हो कि आपका अकाउंट है क्या चोरी हो गया, तो तुरंत नेटवर्किंग साइट की सहयोग टीम को सूचित करें। जी ध्यान रखना, हर सोशल मीडिया की अपनी एक सहयोग टीम है, तो उस टीम की मेल आईडी उसकी वेबसाइट पर आपको उपलब्ध होगी। आपको लगता है आपका अकाउंट हैक हो गया तो आप उसकी मेल आईडी पर तुरंत रिप्लाई दे दें या उसको मैसेज करके सूचित कर दें कि मेरी आईडी हैक हो गई है, ऐसा मुझे अंदाजा है। क्योंकि आजकल आपने देखा होगा फेसबुक अकाउंट हैक बहुत जल्दी हो रहे हैं, और फेसबुक अकाउंट्स के अंदर क्या होता है कि जो साथी उनके साथ नियमित रूप से जुड़े हुए हैं, ये नहीं कि किसी साथी का फेसबुक अकाउंट हैक हो गया है उसने सभी को मैसेज कर दिया, वो सभी को मैसेज नहीं करते हैं, वो उन्हीं को मैसेज करते हैं जिनको आप पिछले 10 से 15 दिनों में आप नियमित तौर पे 10 से 15 दिन मान लो या महीना दो महीने में आप नियमित तौर पे संपर्क में रहे हो, यानी इनसे आपने मैसेज किया है, इनसे आपने चैटिंग की है, तो ये सारी की सारी ट्रैकिंग आपकी फेसबुक अकाउंट से हो सकती है। और ये उन्हीं को मैसेज आता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा परेशानी में आ गया हूँ, मुझे इस प्रकार की सहायता चाहिए, आप मुझे इतने पैसे इस खाते में डाल दीजिए। पर यदि आप सचेत हो, आपके पास कोई व्यक्ति फ़ोन करता है, मैसेज आता है, तो उस मैसेज को आप बिल्कुल भी ना देखें, क्योंकि नीचे एक नीली लाइन होगी, लिंक होगा कि ये मेरे खाते की लिंक है, आप इसमें पैसे डाल दीजिए। आप पैसे नो डाउट डालेंगे एक बार, बाद में पैसे अपने आप पड़ते जाएंगे। तो ऐसी कोई सूचना यदि फेसबुक अकाउंट के माध्यम से आपके पास आती है कि आपका कोई मित्र आपको फेसबुक अकाउंट के माध्यम से भेजता है, आपके पास उसका नंबर है, तो आप उससे फ़ोन पर बात करके पूछ सकते हैं कि क्या आपने ऐसा किया है। अगर नहीं किया है तो तुरंत उसको बोले कि वो भी जाके अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाए।
अगर ऐसा उसने किया तो उससे पूछिए परेशानी कैसी है, उससे मिलिए, इस तरीके से आपसे मिलना भी होगा और एक समस्या का समाधान भी हो जाएगा। अगर आपको शक हो कि आपका अकाउंट है क्या चोरी हो गया है तो उसको सहयोग टीम से संपर्क करा दें। यह सुनिश्चित करें कि कोई आधिकारिक व्यक्ति ही कंप्यूटर सिस्टम का प्रयोगशाला तक पहुंचे। जैसे कि स्कूल लैब्स की अगर मैं बात करता हूँ या जैसे बच्चों की बात करें, बच्चों का जो कंप्यूटर है वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उसके जो नोन है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि स्क्रीन को हमेशा लॉक रखो कि अगर कोई व्यक्ति आएगा तो लॉक को नहीं खोल सकता, जो पासवर्ड है जल्दी नहीं खुलता। तो इस चीज़ के लिए आपने तैयार रहना है कि पासवर्ड भी आपका ऐसा कठिन हो कि आपके लिए भी मुश्किल हो। अगर आपके लिए मुश्किल है तो दूसरे के लिए मुश्किल है, और मुश्किल है तो यानी कि हम सेफ हैं। एक मजबूत नेटवर्क को सुनिश्चित करने के लिए निवेश करें। अगर हमारे पास कोई नेटवर्क सिस्टम है तो उसको हम अच्छा वाला सिस्टम लाने की कोशिश करें। केवल प्रमाणिक ओपन स्रोत या लाइसेंसयुक्त सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग करें जो ओपन स्रोत होते हैं। ओपन सोर्सेस क्या होते हैं, इस पर भी बहुत बड़ा लेक्चर है, बाद में फिर कभी जिक्र करेंगे। लाइसेंस युक्त सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर मिलते हैं वो लाइसेंस्ड होते हैं, या ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग करें। तो इन सभी प्रयोग के लिए आप अपने कंप्यूटर से ऐसे व्यवस्थित करें कि स्वचालित एंटीवायरस सिस्टम एवं ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़ा रहे। अगर आपने कोई एंटीवायरस डाला है तो आजकल आता है जो एंटीवायरस आते हैं वो ऑटोमेटिकली कंटिन्यूस वर्क करते रहते हैं। तो इन चीज़ों को भी आपने ध्यान रखना है कि ऑनलाइन सुरक्षित रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अपना पासवर्ड माता पिता या अभिभावक के अतिरिक्त किसी को ना बताएं। किसी को भी अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे आयु, पता, फ़ोन नंबर, विद्यालय का नाम इत्यादि ना दें, क्योंकि इससे आपकी पहचान की चोरी का खतरा है। ऐसा कुछ प्रकाशित ना करें जिससे दूसरों की भावनाएं आहत हो। अपने दोस्तों की जानकारियां ऐसे नेटवर्किंग साइट्स पर साझा ना करें जो कि उन्हें खतरे में डाल सकती है। जैसा कि मैंने अभी आपको उदाहरण दिया था कि आप कहीं जा रहे हो और आप ये लिख दो कि आई एम विद माई फ्रेंड, और फ्रेंड का नाम आप वो डाल दो और फ्रेंड का पूरा परिवार भी वहाँ फोटो में दिखा दो। इसका मतलब जो चोर आपकी वेबसाइट पर लगातार रेकी कर रहा है, जो देख रहा है आपकी अकाउंट सोशल मीडिया साइट, उसको ये क्लियर हो गया कि ये परिवार वहाँ है। इट मीन्स घर पर कोई नहीं है, और घर पर कोई नहीं है इसका मतलब क्या है कि दे आर फ्री टू थेफ्ट, चोरी करने के लिए वो तैयार है। ऐसा कुछ भी आगे ना भेजें जिसे आपने बिना किसी प्रमाणिक स्रोत से सोशल मीडिया पर पढ़ा हो। यानी कि कोई भी चीज़ आप अगर फॉरवर्ड करते हो तो उसके लिए आप कॉन्फिडेंट हो, यस दिस इज़ राइट। अगर वो किसी भी एंगल से आपको 1% लग रहा है, शंका में है, तो उसको आप फॉरवर्ड ना करें। कि व्हाट्सएप ने भी कई फीचर्स ला दिए हैं कि कोई गलत अफवाह फैलाएगा तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। लॉग इन करने के बाद अपने अकाउंट को खाली ना छोड़े। यदि आप उपयोग ना कर रहे हो तो लॉग आउट करते हैं। जैसा कि मुख्यतः आमतौर पर पाया जाता है कि हम अपने पीसी में काम कर रहे हैं पर हम लॉगिन हुए हुए हैं। अभी भी अगर मैं जिक्र करूँ, आप अपना कंप्यूटर या डेस्कटॉप या लैपटॉप खोलेंगे, जैसे ही आप नेट से कनेक्ट होगे, गूगल टाइप करोगे तो गूगल टाइप करते राइट साइड में टॉप में आपकी फ़ोटो आ जाएगी। फ़ोटो का मतलब क्या, आप ऑलरेडी लॉगिन हो, आप वहाँ से लॉग आउट हुए ही नहीं। तो ऐसी चीज़ें ना करें, आप उसको लॉग आउट कर लें। किसी भी सोशल नेटवर्क सेटिंग पर साइट पर जान अपने फर्जी प्रोफाइल ना बनाएं, जिसको हमने फॉल्स आइडेंटिफिकेशन के बारे में आपको बताया था कि फॉल्स आइडेंटिफिकेशन ना करें। किसी भी सार्वजनिक नेटवर्क या कंप्यूटर पर अपने व्यक्तिगत उपकरण जैसे कि निजी USB अथवा हार्ड ड्राइव का प्रयोग ना करें। आपने कई बार नोटिस भी किया होगा कि जी मेरा हार्ड ड्राइव निजी, मतलब कि मेरे जो पेन ड्राइव है या हार्ड डिस्क है ये वर्क नहीं कर रही। फिर आपसे पूछते हैं कि क्या कहाँ कहाँ यूज़ किया था, बोलो मैंने उस सिस्टम में लगाया था। फिर पता चलता है कि उस सिस्टम में वायरस था, उसने आपका सारा डाटा वैनिश कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो इस चीज़ से भी थोड़ा सा बचे। वेन, वाट एंड हाउ, कब, क्या और कैसे। तो हम थोड़ा सा ब्रीफ पढ़ेंगे कि ऑनलाइन क्या हो रहा है, साइबर क्राइम्स क्या हो रहे हैं, या ऑनलाइन लोग कितने एडिक्ट हो रहे हैं, क्या कुछ है उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में समराइज्ड करूंगा मैं यहाँ पे आप लोग के साथ। सबसे पहला रिकॉर्ड जो साइबर क्राइम हुआ था वो 1820 में हुआ था लूम डिवाइस पर, और जो पहला ईमेल लिया गया था जो वो था फर्स्ट स्पैम ईमेल 1978 में, जो अर्पानेट के थ्रू भेजा गया था, और फर्स्ट वायरस वाज इंस्टॉल्ड ऑन एप्पल कंप्यूटर इन 1982। आज के जो ग्लोबल विलेज है, आज का जो ग्लोबल विलेज है, आज का जो ग्लोबल विलेज है
12 बजे इसको करके और फिर लंच ब्रेक करके 5 मिनट 1:15 कर दो 15 मिनट। तो आज का जो ग्लोबल विलेज की हम बात करते हैं, जो साइबर विलेज की हम बात करते हैं, उसमें सबके सब चाहते हैं कि हम फास्ट नेटवर्क और वास्ट नेटवर्क से जुड़े रहें। तो टिल डेट वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट सोशल नेटवर्किंग कंपनी है फेसबुक, उसके 340 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं इंडिया में, जबकि वर्ल्ड वाइड 2.85 बिलियन है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कितने इंडियंस एक्टिव हो रहे हैं फेसबुक पर। अब हम बताएं ऑल वर्ल्ड की बात करते हैं, जो 18 से 29 वर्ष की आयु में जो व्यक्ति आते हैं, 70% ऐसे व्यक्ति हैं जो 18 से 29 वर्ष की आयु वाले 70% व्यक्ति इस चीज़ से जुड़े हैं। 30 से 49 वाली आयु के 77% लोग इससे जुड़े हुए हैं। 50 से 64 वर्ष आयु के जो व्यक्ति होते हैं उनमें 73% जुड़े हुए हैं, और 65 प्लस में से तो देखें तो 50% ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। इसका मतलब हम मान लें ऑन एवरेज 60% से ऊपर लोग ऑनलाइन से डेली जुड़े रहते हैं, और ये संख्या बढ़ती जा रही है। और जो आदमियों की तुलना में अगर देखें तो 61% आदमी, तो वहीं पर 77% वुमेन्स इंटरनेट के साथ जुड़ी हुई है, सोशल नेटवर्क यानी फेसबुक के साथ जुड़ी हुई है। 92% ऑफ इंडियन यूथ वास फाउंड टू हैव शेयर्ड प्राइवेट इन्फॉर्मेशन, मतलब वो चाहते हैं कि हम शेयर करें प्राइवेट इन्फॉर्मेशन। 53% लोग वर्चुअल वर्ल्ड पर ट्रस्ट कर रहे हैं, इंटरेक्ट करते स्ट्रेंजर्स के साथ, जो कि सबसे बड़ा क्राइम इस समय होने जा रहे हैं, हो भी रहे हैं। 51% लोग तो कहते हैं जी हमें कोई चिंता नहीं ऑनलाइन प्राइवेसी की। तो ये है नज़ारा। अब मैं रैंसमवेयर की बात की थी, रैंसमवेयर होता क्या है? रैंसम मतलब समझ सकते हो आप, आपसे फिरौती मांगनी। कोई एक ऐसा वायरस होता है जो आपके कंप्यूटर में आ जाता है और वो इस तरीके से मैसेज देता है, लिखा होता है योर कंप्यूटर एंड फाइल्स आर इनक्रिप्टेड, इतनी अमाउंट इतने दिन में सबमिट करें अदरवाइज आपका डाटा उड़ा दिया जाएगा, योर कंप्यूटर हैज बिन लॉक्ड, आप इतनी अमाउंट इतने दिन में करें नहीं तो फिर इतनी अमाउंट आपकी बढ़ा दी जाएगी, और इस समय तक आपने अगर पैसा नहीं दिया तो आपका डाटा डिलीट कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, जो आपका कंप्यूटर को लॉक कर रहा है तो इसके लिए आपने तैयार रहना है, आपने अपना डाटा बैकअप रखना है, कोई फालतू एक्सटेंशन फाइल्स को आपने ओपन नहीं करना है। चूज एटलीस्ट पासवर्ड के लिए ये करेक्टर्स है कि अपर केस लोअर केस नंबर सिंबल्स और 8 करेक्टर्स होने चाहिए। ऑलवेज सेव ब्राउजिंग के लिए आप बैंकिंग ट्रांजेक्शन के लिए HTTPS का लिंक जरूर चेक करें जिसमें ताला लगा हो और ग्रीन साइट दिख रही हो। डोंट डाउनलोड फ्री मीडिया, हम फ्री के लालच में बहुत कुछ खो देते हैं, इसलिए सेफ ब्राउजिंग करें। जो सारी बातें आपसे जिक्र की हो सारी बात यहाँ पर लिखी हुई है पॉइंट वाइज, मैं दोबारा नहीं दोहराना चाहूँगा। तो कोशिश करें जो बातें मैंने आपके साथ चर्चा की वो सारी चीज़ें आप फॉलो करें। जैसे कि फेसबुक के लिए इन्होंने अपनी आईडीज दे रखी हैं कि अगर अकाउंट रिकवरी करवानी है तो facebook.com/hacked पर जा सकते हैं। कोई चीज़ रिपोर्ट करनी है तो फेसबुक की आईडी नीचे दी हुई है, और कोई सेफ्टी चेक आपने करनी है तो /about/safety check पर आप जा सकते हैं। सिक्योरिटी मोबाइल डिवाइस को भी आप उसी चीज़ों की ध्यान रखें जो जो आप लैपटॉप के लिए रख रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपके साथ होना चाहिए। स्क्रीन लॉक इज मस्ट मान लीजिए, और जो प्रॉमिस थोड़े बहुत करने कि मैं सिक्योर डिवाइस यूज़ करूँगा, अपने आप को सेफ रखूँगा, साइबर पे ज़्यादा ध्यान दूँगा। थैंक यू। अब मैं आपके साथ एक छोटी सी एक्टिविटी शेयर करूँगा कि हम पेरेंटिंग कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो अभी एक मिनट, मैं आपके साथ मोबाइल से जुड़ूंगा थोड़ी देर में, एक मिनट के अंदर। क्या आपको मेरा मोबाइल स्क्रीन को आप पिन कर लीजिए, मोबाइल स्क्रीन को क्या आपको मेरा मोबाइल मेरी मोबाइल स्क्रीन नज़र आ रही है? तो अब मैं आपको यहाँ पर एक पेरेंटल कंट्रोल की ऐप के बारे में बताऊँगा। सभी का मोबाइल इस प्रकार का होता है,
आई थिंक सो आवाज क्लियर आ रही होगी। हाँ जी, तो मेरी स्क्रीन यहाँ आपको नज़र आ रही है, तो कभी सभी साथी इसको थोड़ा ध्यान से देखें। जो ये स्क्रीन आपको नज़र आ रही है, इसमें आपने सबसे पहले अपने सेटिंग्स में जाना है। मोबाइल की सेटिंग्स में आपको सबसे टॉप में दिखाई दे रहा है, जहाँ पे 71% 71%। क्या मेरी आवाज़ आ रही है? जी, तो 71% नीचे सेटिंग का आइकन बना हुआ है, उस सेटिंग के आइकन को आपने क्लिक करना है और ड्रैग डाउन करते जाइएगा, स्क्रॉल अप बोल सकते हैं आप। जब नीचे आप पहुंचेंगे तो आपको एक ग्रीन आइकन नज़र आ रहा होगा, डिजिटल वेल बीइंग एंड पेरेंटल कंट्रोल्स। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, सामने दिखाई देगा कि मेरा मोबाइल आज 3 घंटे 46 मिनट चला है, 3 घंटे 46 मिनट चला है, जिसमें कि गूगल मीट 3 घंटे 22 मिनट से चल रही है। गूगल मीट की जो स्क्रीन है, क्योंकि जो गूगल मीट है वो चलती रहती है, इसलिए स्क्रीन टाइम शो करता है। ये स्क्रीन टाइम शो कर रहा है कि 3 घंटे 46 मिनट स्क्रीन टाइम मैंने देखी है। तो इस चीज़ को मैं, जैसे कि जो ग्रीन लाइन मुझे दिख रही है बीचों बीच में, जब आगे जाके ब्लू लाइन दिख रही है, आगे पर्पल लाइन दिख रही है, तो इस लाइन को जैसे ही मैं टच करूँगा तो ये पिछले एक वीक की डिटेल्स आ जाएगी मेरे सामने, कि इस पूरे वीक में मैंने क्या क्या यूज़ किया है, कितना यूज़ किया है। तो जैसे कि मैं सपोज़ करिए परसों 29th है, 29th को जैसे मैं टच करता हूँ तो 29th के बारे में यहाँ पे आ जाएगा कि मीट मैंने 2 घंटे 23 मिनट यूज़ की है इस मोबाइल की स्क्रीन पर, गैलरी 39 मिनट्स और व्हाट्सएप 34 मिनट्स। तो आज मैं चलता हूँ, जैसे कि 31 है, मैं 31 पे आ गया हूँ। तो आज जैसे कि व्यू मोर करता हूँ तो यहाँ व्हाट्सएप आ रहा है 1 मिनट, आप लोग को नीचे दिखाई दे रहा होगा कि मैंने व्हाट्सएप आज सिर्फ 1 मिनट के लिए स्क्रीन यूज़ की, मतलब देखा ही 1 मिनट है। तो मैं व्हाट्सएप पे क्लिक करता हूँ, जैसे ही व्हाट्सएप पे क्लिक करूँगा तो आप देखिए क्या क्या दिख रहा है सामने। 31st जनवरी स्क्रीन टाइम 1 मिनट और नीचे दिया हुआ है ऐप टाइमर। अभी मैंने कोई टाइमर नहीं लगाया, तो मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा, जैसे ये ऐप टाइमर है, मैं इसमें ऐप टाइमर में कस्टम सबसे नीचे है, कस्टम में जाऊँगा और सिर्फ 2 मिनट करूँगा, डन करूँगा। अब आप देखिए मैंने इसमें टाइमर लगा दिया 2 मिनट का। अब मैं जैसे ऐप खोलूँगा, कौन सा ऐप है मेरा, व्हाट्सएप ऐप, जैसे मैंने ये ऐप खोल दिया, इसको ट्रेनिंग का मैंने पार्ट खोल लिया, ये मैडम ने स्क्रीनशॉट भेजी है अटेंडेंस के टाइम की, तो मैं इस थोड़ा सा इसमें काम करता हूँ, क्योंकि आज अभी मैंने आपको दिखाया कि मैंने 1 मिनट यूज़ किया हुआ है। तो थोड़ा सा ये देख लीजिए, ये सारी स्क्रीन्स आ रही हैं कि ये स्क्रीनशॉट आ चुके हैं। मैं आप लोग के साथ व्हाट्सएप ग्रुप शेयर कर रहा हूँ। अब मैंने टाइम दिया हुआ है 2 मिनट इसका, ठीक है, 2 मिनट, यानी कि 2 मिनट के बाद देखिएगा क्या स्क्रीन पर आता है। अब ये सारे मैसेजेस हैं इस ग्रुप 2 के, इसी प्रकार से ग्रुप 1 का एक क्रिएट किया गया था और ग्रुप 1 में भी ये सारे मैसेज डाले गए थे। इससे रिलेटेड जितनी भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस वगैरह हैं ये आपको मिल जाएंगी, इसी ग्रुप के अंदर मिलेंगी। और अभी टाइम जैसे कि मुझे लग रहा है अभी 1 मिनट हुआ नहीं है, जैसे ही ये 2 मिनट हो जाएगा ये अपने आप बंद हो जाएगा, स्क्रीन टाइम ब्लॉक हो जाएगा। ये देखिए, गुड बाय फॉर टुडे 2 मिनट्स, यू हैव यूज्ड ऑल योर टाइम फॉर व्हाट्सएप टुडे, यू कैन यूज़ दिस ऐप अगेन टुमारो। अब हम इसको कर सकते हैं कि आगे भी, लेकिन अगर हमें और ऐड टाइम करना है तो छोटे बच्चों के लिए बहुत है कि हम बोल सकते हैं कि हाँ आपका मोबाइल ख़राब हो गया, चलो लाओ कल देखना, तब तक आप इसको ठीक करें। अब देखिए इसमें दिखता क्या है, इसको मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ। अब आप देखिए आपको व्हाट्सएप का आइकन दिख रहा है जो कि ग्रीन कलर का होता है, ये जो व्हाट्सएप का आइकन ग्रीन कलर का होता है यहाँ पे आपको फेड कलर बिल्कुल ब्लैक कलर दिखेगा, मतलब ये ऐप क्लिक करने पर भी नहीं चलेगा। मैं क्लिक करूँगा नीचे लिख के आ जाएगा व्हाट्सएप टाइमर रन आउट, यानी कि हम इस प्रकार से बच्चों को कह सकते हैं कि आप किस चीज़ को कितने समय के लिए प्रयोग करें। तो और रही बात बच्चों से, अपने स्कूल के बच्चों से, आप चाहें तो एक बार मैं इसका टाइम चेंज ऐप टाइमर और ऐप टाइमर पे क्लिक करके इसको कर दिया नो टाइमर, ठीक। तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि बच्चों को बोलें कि आप डिजिटल वेलबींग वाला ऐप खोलें,
डिजिटल वेलबिंग वाला ऐप खोलें इस प्रकार से, और इसको ओपन करके इसको यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके हमें शेयर करें। तो जब बच्चा ये खुद देखेगा कि मैंने इतने घंटे ये चलाया, इतने घंटे ये चलाया, इतने घंटे ये चलाया है, तो उसके अंदर ये रहेगा कि मैं ये चीज़ कैसे टीचर को शेयर करूँ। तो वो ये बोलेगा सर आज नहीं कल भेज देंगे, तो आप उसको छूट दे सकते हैं, आप उसको ये बोल सकते हैं जी ठीक है बेटा कल आप भेज देना कोई बात नहीं, लेकिन कल वो नेचुरली उसके दिमाग में रहेगा कि मैंने ये चीज़ें चलाई हैं तो मेरे मोबाइल पे आ रही हैं, तो कल एक दिन वो इस चीज़ों को नहीं चलाएगा और फिर चेक करेगा कि आ रही कि नहीं आ रही, जब नहीं आ रही है तो फोटो खींच के आपको भेजेगा। और इसी चीज़ को आप 4-5 दिन मॉनिटर कर लेंगे और उनको ये बोल दें कि मैं आपका कभी फ़ोन मंगा के आपका फ़ोन चेक कर सकता हूँ, तो उस चीज़ के लिए आप सभी तैयार रहे बच्चे। तो बच्चे के अंदर ये रहेगा कि हाँ हमारा फ़ोन कभी भी स्कैन हो सकता है, ट्रैक आउट हो सकता है, तो किसी प्रकार की अनुचित वेबसाइट पर नहीं जाएंगे, किसी प्रकार का कोई ऐसे काम नहीं करें जिसके लिए उनको शर्मिंदा होना पड़े, तो इन चीज़ों से थोड़ा सा हम बच सकते हैं। दूसरी बात, हम बात करते हैं जैसे गूगल क्रोम वगैरह उसकी हमने हिस्ट्री वगैरह चेक करनी, तो आपने सिंपल सभी को पता है फिर भी मैं बताऊँगा, कंट्रोल एच जैसे आप क्लिक करेंगे, ये देखिए मैं यहाँ पे इस अभी तो मैं मोबाइल स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, चलिए फिर कभी समय मिलेगा तो बताएंगे। आप सिर्फ और सिर्फ जब भी आप क्रोम चला रहे हो कंट्रोल एच कर लीजिए, कंट्रोल एच करते ही सारी चीज़ें सामने आपके आ जाएंगी। अब जैसे मोबाइल के अंदर जाना है तो मोबाइल के अंदर मैंने ये देखिए दिख रहा है सभी को, मैंने गूगल क्रोम क्लिक किया और इसमें मैं टाइप कर देता हूँ बैंकिंग ऑनलाइन, मतलब SBI ऑनलाइन बैंक, ऑनलाइन बैंकिंग आ गया, मैंने क्लिक कर दिया क्योंकि नीचे SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिख के आ रहा है। ठीक है, अब नीचे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखा आ रहा है, यहाँ पर क्लिक ना करें, आपने क्या करना है ऊपर नाम पढ़ लेना है www.onlinesbi.com, आपने ऊपर गूगल में सर्च क्लिक करना है और वहाँ टाइप करना है, फिर वहाँ से जाना है www.sbionline। अभी देखिए मैंने गलत किया, मैंने कोई भी चीज़ गलत टाइप की है तो ये नहीं खुलेगा, ये लिख दिया दिस साइट कांट बी रीच्ड, तो मैं इसको दोबारा पढ़ूंगा, ऑनलाइन SBI, मैंने SBI ऑनलाइन टाइप किया था, ऑनलाइन SBI जैसे हम क्लिक करेंगे आप यहाँ देखिएगा www.onlinesbi.com, जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करूँगा आप देखिएगा ऊपर देखिए आपको एक लॉक दिखाई दे रहा होगा, ये लॉक का मतलब है ये वेबसाइट आपकी सिक्योर है, आप इसको आराम से यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तो किसी की कोई क्यूरी वगैरह है तो प्लीज़ डिस्कस कर सकता है मेरे साथ। प्रभात जी नमस्कार। नमस्कार सर। सर आपने बहुत अच्छा बताया साइबर सिक्योरिटी और सेफ्टी और इसके मेजर्स के बारे में। जी थैंक यू सर। और मैं भी अपना एक एक्सपीरियंस जो कि ऑनलाइन पेमेंट स्कैम जो मेरे खास दोस्त के साथ हुआ था उसके बारे में बताना चाहूँगा। जी सर मोस्ट वेलकम। जी ये मेरे एक फैमिली फ्रेंड है, उनका एक एसी था पुराना, उन्होंने वो बेचना था और नया एसी लेना था, तो उन्होंने OLX की साइट पर वो डाल दिया कि ऐसे ऐसे पुराना एसी है और मैं इसे 10,000 रुपये में बेचना चाहता हूँ। तो काफ़ी उसके पास मैसेजेस आए, नेगोशिएशन होने के बाद एक किसी का मैसेज आया कि हाँ मैं आपके प्राइस पे इसको लेना चाहता हूँ 10,000 रुपये, तो वो खुश हो गया अभी जो मैंने प्राइस कोट की है उस प्राइस पे वो लेना चाहता है। तो उसने व्हाट्सएप नंबर पे थोड़ी सी चैट की और बताया कि मैं एयरफोर्स स्टेशन सिरसा में काम करता हूँ, बकायदा उसने अपना आईडी कार्ड भी भेजा और बोला कि शाम को मैं एसी लेने आ जाऊँगा और आप चाहो तो पेमेंट मैं अभी कर देता हूँ। तो एक तरह से वो खुश हुआ बड़ा कि भाई चलो पेमेंट पहले एडवांस में दे रहा है। तो उसने कहा कि मेरा बस 15 मिनट का लंच पीरियड है, उस दौरान मैं आपसे कॉल करूंगा और आपको पेमेंट कर दूंगा। तो थोड़ी देर बाद उसका फ़ोन आता है और वो बताता है कि मैंने आपको एक QR कोड भेजा है, आप उस QR कोड को स्कैन करो और आपको 10,000 रुपये मिल जाएंगे। जी बाकायदा उस QR कोड पे
लिखा भी हुआ था कि स्कैन टू रिसीव 10,000 रुपीज। उसने जब उसको स्कैन किया तो यूपीआई पिन मांगा, तो उसके दिमाग में थोड़ा सा लगा कि ये यूपीआई पिन क्यों मांग रहा है। उसने उसको बताया कि यूपीआई पिन मांग रहा है, तो वो कहता है कि नहीं नहीं वो फोन पे ही था सामने वाला आदमी, तो उसने कहा कि नहीं नहीं आप यूपीआई पिन डालो और पैसे आपके खाते में आ जाएंगे। तो उसने यूपीआई पिन डाल दिया, उसके बाद में लिखा हुआ आया पे टू, अगले बंदे का नाम था, फोन नंबर था। तो उसके दिमाग में फिर आया कि नहीं नहीं ये पैसा तो मेरी तरफ से जा रहा है जी, आपकी तरफ से नहीं आ रहा। तो कहते नहीं सर ये नया तरीका है, मैं आपको करके दिखाता हूँ, आप इस QR कोड को छोड़िए, मैं आपको एक और QR कोड भेजता हूँ। तो उसमें आपका सिर्फ दोबारा से QR कोड भेजा, उस पर लिखा हुआ था 1 रुपया ट्रांसफर होना है। तो मेरे दोस्त को भी लगा चलो 1 रुपया चला भी जाएगा तो कोई बात नहीं। तो जैसे ही उसने स्कैन किया, UPI पिन डाला और पे टू करके और कंफर्म किया, तो 1 रुपया उसके अकाउंट से डिडक्ट हो गया। ठीक है, तो अगले स्कैमर ने क्या किया, 1 रुपया उसको वापस भेज दिया और 1 रुपया और भेज दिया और कहा कि देखो आपने सर 1 रुपया मेरे को भेजा था, वो 1 रुपया तो आपको मिल गया और 1 रुपया एक और आ गया होगा, आपके पास 2 रुपये आ गए होंगे। तो इसी तरीके से वो 10,000 वाला QR कोड स्कैन करो, आपके 10,000 रुपये एक बार आपको लगेगा कि जा रहे हैं, लेकिन आपको 20,000 आ जाएंगे, 10 आप वाले और 10 मेरे वाले। तो उसने ऐसा किया, करते ही उसके जो 10,000 रुपये जो हैं वो गए और वापस कुछ नहीं आया। और थोड़ी देर बाद में उसने उसको फोन किया और कहा कि मेरे तो 10,000 रुपये चले गए जी, वो तो आए नहीं, आप कह रहे थे आएंगे। तो उस स्कैमर ने कहा कि नहीं नहीं कोई टेक्निकल फॉल्ट होगा, मैं आपको दोबारा QR कोड भेजता हूँ और अब की बार 20,000 का भेजता हूँ, तो 10 आपके अब वाले आ जाएंगे और 10 जो अब मेरे को देने हैं वो आ जाएंगे। तो उसने दोबारा से वही गलती की और फिर वो 20,000 और दोबारा उसके चले गए। तो कुल मिला के उसके 30,000 रुपये जो है वो स्कैमर ने उससे ठगी कर ली। बाद में एयरफोर्स स्टेशन पे गए, वहाँ पे उन्होंने आई कार्ड देख के बता दिया भी इस तरह का कोई आदमी हमारे पास नहीं है। पुलिस स्टेशन गए, वहाँ पे उन्होंने ट्रैकिंग पे लगाया 15-20 दिन के बाद उन्होंने बताया कि ये नंबर तो जी कहीं बिहार से बोल रहा है और इतना तो आपका खर्चा लग जाएगा जितने पैसे नहीं गए। तो कहने की बात यह है कि कोई उसमें आनी जानी नहीं हुई। तो इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि कई लोग ये कहते हैं कि UPI का इस्तेमाल ना करो या फिर UPI का इस्तेमाल करो तो उसको बैंक से ना जोड़ो, लेकिन मैं एक बात ये इसमें कहना चाहता हूँ कि हमें सिर्फ एक बात समझने की ज़रूरत है कि जब भी हम पिन डाल रहे हैं, UPI पिन जब हम डालते हैं तो इसका मतलब ये है कि पैसा हमारी तरफ से जा रहा है ना कि आ रहा है। ये सिंपल उस जैसा है कि जैसे हम चेक किसी से लेते हैं, अगर कोई हमें सामने वाला आदमी चेक देता है तो हमें साइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें साइन करने की ज़रूरत तब पड़ती है जब हम चेक दे रहे होते हैं। तो हमें जब भी पैसा किसी को देना है तभी हमें UPI का पिन एंटर करना है, अदरवाइज हमें कभी भी UPI का पिन एंटर नहीं करना है। तो ये एक एक्सपीरियंस जो मेरे बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस विक्रम जी ने हमारे साथ साझा किया। आशा है सभी साथी इस चीज़ से परिचित हो गए हो कि कैसी कैसी घटनाएं साइबर वर्ल्ड में होती हैं। और कोई साथी कोई सवाल अगर पूछना चाहता है या कुछ साझा करना चाहे, नहीं तो फिर मैं अभी लंच ब्रेक के लिए ऑफ करूंगा, फिर आपको मिलेंगे हम लोग 1 बजे। नमस्कार जी प्रभात जी। जी वीरेंद्र जी नमस्कार। सर ये कह रहा था जैसे हम फोन के अंदर पासवर्ड वगैरह जो सेव करते हैं, जी जी जी, जैसे हमारा MIS का हो गया, जी 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 जी, सारी डिटेल्स हम सेव करते हैं जी, ऑनलाइन नेट बैंकिंग वगैरह, तो अगर उसको सिक्योर रखना तो उसके लिए क्या विशेष रहे? सबसे बेस्ट है उसको अगर आपने सिक्योर रखना है अपने मोबाइल को किसी भी अननोन वाईफाई से कनेक्ट या अननोन नेटवर्क से कनेक्ट ना करें। आपके मोबाइल के अंदर है वो आपके पास सेफ है, लेकिन आप जैसे ही कोई अननोन चीज़ या अनवांटेड चीज़ के साथ कनेक्ट होते हैं तब आपका डाटा लीक होने की चांस बढ़ती है। ऐसे तो आपका मोबाइल चोरी होने पर भी आपका डाटा लीक नहीं हो सकता अगर आपका मोबाइल लॉक्ड है। जी ठीक है जी। फ्रॉड वाली जैसे अभी जो विक्रम जी ने बताई सेम ऐसे हमारा एक साथी है उसके साथ भी
ये जी केस नॉर्मली होते हैं जी, नॉर्मली होते हैं कि सभी ये सोचते हैं कि हाँ पैसा आ गया चलो आप भेजते हैं। बहुत बड़ी सवाल आपकी उनके साथ ट्रेजेडी हुई सर, बहुत दुख हुआ बल्कि, और मैं बदकिस्मत ये देखे कि मैं उसके साथ होते हुए भी वो चीज नहीं समझ पाया कि सामने वाला हमारे से क्या करवा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो आगे से आशा करता हूँ कि इस मीटिंग के बाद आप थोड़े से सचेत हो गए होंगे, हो सकता है कुछ एक नॉलेज मिल गई हो। एनी डेस्क जी, एनी डेस्क ऐप है बल्कि सर जी मैं बता रहा हूँ, एनी डेस्क ऐप सिर्फ और सिर्फ उसके साथ साझा करें जिनके साथ आप बहुत ही ज़्यादा नोन हो, अननोन के साथ तो बिल्कुल ही मत करें। एनी डेस्क बहुत ही डेंजरस ऐप है जी। ठीक है जी, धन्यवाद आप सभी का। तो मीटिंग को एक बार यहाँ बंद करते हैं और ठीक है 1 बजे वापस ज्वाइन करेंगे। थैंक यू। Oh, my God.